हेलो एस्पिरेंट, तो एस्पिरेंट्स वैली में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे आज का न्यूज़पेपर दिसंबर 4, 2023। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सभी प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स सेम आर्टिकल जो पूरी तरह से प्रीलिम्स 2024 के कंटेक्स्ट में होंगे। इसके अलावा हम इस पूरे वीडियो में और कोई पॉलिटिकल न्यूज या इरिलेवेंट न्यूज पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो न्यूज़पेपर मैं यहाँ पर कवर करने जा रहा हूँ उसमें द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तो है ही है, साथ में बिजनेस लाइन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड, मिंट, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, द ट्रिब्यून, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, द टेलीग्राफ एंड द टाइम। इन सभी न्यूज़पेपर से हम रिलेवेंट न्यूज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं हम आज का कोट ऑफ द डे। और ये यूएस प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का डेमोक्रेसी पर उनका एक कोट मैंने लिया है, दैट डेमोक्रेसी कैन नॉट सक्सेड अनलेस दोज हु एक्सप्रेस देयर चॉइस आर प्रिपेयर टू चूज वाइजली। ओके, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जब आप इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप अपने लीडर्स को आप जो है पूरी सोच समझ कर और उसके बाद अपने चॉइस को डिसाइड करें। तो फर्स्ट न्यूज के साथ डिस्कस करते हैं आज हम न्यूज ऑफ द डे। और यह है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को लेकर आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल है। और इसमें बातचीत ये की जा रही है, काफी टाइम से न्यूज में रहा है पर इस बार फिर से न्यूज में ये रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन डे था, जो सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन डे भी सेम डे माना जाता है यानी कि 26 नवंबर को, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन पे जहां पर वहां पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने स्पीच दी, उसमें उन्होंने AIJS यानी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का जो है वहां पर जिक्र किया। तो ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस है। कैसे कि आर्टिकल 312 जो आर्टिकल नंबर है उसमें ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में हमें पहले से डायरेक्ट करता है कि एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं जो कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज की सिमिलर हो सकती है, यानी कि थ्रू आउट इंडिया एक सर्विस, एक बॉडी उसको कंडक्ट करवाए उसके एग्जाम्स को। और फिर जिस प्रकार से सिविल सर्विसेज में काडर के थ्रू आप स्टेट्स में कैंडिडेट्स को डिफरेंट काडर लोकेट करते हैं, उसी तरह से ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज में भी जो है आप कैंडिडेट को इस तरह से डिफरेंट काडर्स में डिफरेंट स्टेट्स में सर्विसेज के लिए भेज सकते हैं। तो आर्टिकल 312 सब क्लोज टू ऑलरेडी स्टेट्स दैट द AIJS कैन नॉट इंक्लूड एनी पोजिशन इनफीरियर टू, यहां तक भी इसमें मेंशन किया हुआ है, That of a district judge, यानी कि district judge या उससे higher जो post है उन्हीं को लेकर इसमें बातचीत करेंगे, उससे inferior post को लेकर जो है इसमें आप posting नहीं, selection process में आपसे inferior post के लिए exam नहीं करवाएंगे, इससे upper level की जो post है या district judge की post है वहीं तक आप इसमें जो है इसको allow किया गया है। और article 236 में जो सर्विसेज हैं उनको भी प्रॉपरली मेंशन किया गया है थोरोली की कौन कौन सी सर्विसेज या पोस्ट हो सकती हैं जिनके लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के थ्रू एग्जाम्स करवाकर वैकेंसीज को जो है फिल किया जा सकता है। सिमिलर कुछ हैं जैसे सिटी सिविल कोर्ट जज हो सकते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं, और चीफ जज ऑफ ए स्मॉल कोर्ट हो सकते हैं, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, इसमें एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट भी हो सकता है, सेशन जज भी हो सकते हैं, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज भी हो सकते हैं। तो वैसे तो चांस नहीं है कि ये सब पोस्ट का नाम देके कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, पर ये आपको पता रख लेना है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाली टर्म है ये याद रहनी चाहिए, इनके इन्फीरियर पोस्ट के लिए आप इसमें एग्जाम में वैकेंसी फिल नहीं करेंगे इसके थ्रू। दूसरी चीज ये है कि AIJS का पर्पज ये है कि आप जो है रिक्रूटमेंट जो है जजेस की वो सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, फाइन, एट द लेवल ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड डिस्ट्रिक्ट जज फॉर ऑल ऑफ द स्टेट्स, जैसा कि यूपीएससी एग्जाम करवाता है सिविल सर्विसेज के लिए, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक उसी तरीके से यही पर्पज इसका रहा है। इसीलिए उस टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में उसी टाइम मेंशन किया था, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सर्विस जो है AIJS के थ्रू कोई भी अभी एग्जामिनेशन करवाई नहीं जाती है। तो रिकमेंडेशन ये दी जाती है कि क्यों ना यूपीएससी ही जो है इसके एग्जाम्स करवाए, और सिमिलर जैसे आप IAS और IPS के कैडर वाली
सर्विसेज के थ्रू आप जो है पूरे इंडिया के लिए एक एक से एग्जाम करवा कर आप कैंडिडेट्स को लेते हैं, ठीक उसी तरह से आईजीएस में भी इस तरीके से एक प्रोसेस किया जा सकता है। पर फिलहाल जो है सभी स्टेट्स जो है रेस्पेक्टिव स्टेट्स वो अपनी अपनी एग्जाम्स करवाते हैं। वो आर्टिकल 233 और 234 में ये बात बताई गई है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर और उनके स्टेट में पोस्टिंग को लेकर बात की जाती है। तो होता क्या है कि जो स्टेट के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं वो एग्जाम करवाते हैं और उसके बाद जो इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई करते हैं उनकी जो है इंटरव्यू फिर वहां के हाई कोर्ट्स के पैनल्स जो हैं वो लेते हैं। ये एक प्रोसेस अभी चला हुआ है और उसके बाद वहां से जो कैंडिडेट सेलेक्ट होता है उन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो एक तरह से ये जो है वहां के स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और वहां की स्टेट हाई कोर्ट्स ये दोनों मिलकर जो है ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो ये कहा जा रहा है लॉ कमीशन की 1958 रिपोर्ट में भी ये कहा गया था रिफॉर्म्स पर, जुडिशियल रिफॉर्म्स पर, कि आप EIGS को स्टार्ट करिए, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करिए इसको, तो ये बेटर रहेगा। ऑल इंडिया सर्विसेज की तरह होगा तो सबका जो है एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस ज्यादा फेयर होगा और दूसरी चीज ये भी होगी ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स भी अच्छा होगा और भी कई बेनिफिट्स होंगे, उनको पर्क्स, उनकी जो सैलरीज हैं, रेमुनरेशन हैं, वो भी जो है यूनिफॉर्म होंगे। तो काफी सारी चीजें जो हैं इसमें बेनिफिट होगा उन सब चीजों का। तो फिलहाल अभी तक जो है इस बारे में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, पर जैसा कि प्रेसिडेंट ने अपने स्पीच में ये बात कही है तो UPSC इसके कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ सकता है। और लॉ कमीशन ने 1978 की रिपोर्ट में भी इस बारे में पॉजिटिव रिपोर्ट दी है। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी 2006 में जो आई थी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज लॉ एंड जस्टिस पर, उसने भी जो है पॉजिटिव रिपोर्ट दी थी और वो भी अफर्मेटिव था उसका भी कि ओपिनियन कि आप करवाइए एग्जाम, इसको लागू करिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इवन खुद ने भी कहा है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कि AIJS को क्यों नहीं गवर्नमेंट को स्टार्ट कर देना चाहिए। और इवन 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वो मोटो लेते हुए भी ये बात कही थी कि आप जो एक सेंट्रल सिलेक्शन मैकेनिज्म कंटिन्यू करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा था आप इस बारे में सीरियसली इसको इम्प्लीमेंट करिए। तो फिलहाल इस पर यही चल रहा है कि एक AIS को लागू करने के ऊपर अभी भी जो है स्टेट से भी ऑब्वियसली उन मेजर स्टेक होल्डर्स स्टेट्स हैं तो उनकी ओपिनियन ली जाएगी और उसके बाद ही एक लंबा प्रोसेस है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ऑलरेडी ये बात मेंशन की हुई है तो उसके बाद ये कंटिन्यू किया जाएगा, पर फिलहाल जो कंसेंसस जो है वो बन नहीं पा रही है। तो अब नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं, ये है आप केन्या से है, ड्रॉट प्रोन केन्या की, यहाँ पर काफी अच्छी खास एरिया में जो है ड्रॉट लाइक सिचुएशन रहती है तो उस वजह से यहाँ पर कुछ एक तो रिवर का नाम जो है ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, अथी रिवर, ये केन्या में है ध्यान में रखना है इसको अथी रिवर। और एक लोकेशन ध्यान रखनी है, केन्या की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए नैरोबी है और बोंडेनी जुआकाली। ओके, ये इतना ही इस न्यूज से ध्यान में रखना है, बाकी न्यूज हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। तो यहाँ पर इशू ये होता है कि यहाँ पर ड्रॉट लाइक सिचुएशन होती है, रिवर में वाटर लेवल नीचे चला जाता है, दूसरी पॉल्यूशन की भी प्रॉब्लम रहती है, तो ये सब को लेकर आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है तो हमें इतना ही ध्यान रखना है अथी रिवर केन्या। नेक्स्ट न्यूज है स्मार्ट फाल्कन्स, तो ये भी एक ज्योग्राफी रिलेटेड न्यूज है। तो इसमें जो है एक हाइपर इंटेलिजेंट बर्ड की बात की जाती है, नॉर्मली हम जो है पैरट्स और क्रो को इसमें कंसिडर करते हैं, पर ये रिसर्च में ये बात सामने आई है कि जो फॉकलैंड आइलैंड है ये अर्जेंटीना के कोस्ट पर है, ऑब्वियसली ये आप अटलांटिक ओशियन साइड में देखेंगे अर्जेंटीना के कोस्ट पर, और नीचे की तरफ आप देखेंगे अंटार्कटिका की तरफ, वहां पर फॉकलैंड आइलैंड है मैपिंग में, आप वो मैं फिर से ये बता दूंगा कि ये आप देख लीजिए कि ये यहाँ पर ये चिले है और ये अर्जेंटीना है, तो फॉकलैंड आइलैंड की ये लोकेशन मानी जाती है। तो यहाँ पर अटलांटिक ओशियन आ जाता है और यहाँ पर आपका अंटार्कटिक, तो यहाँ के लिए बताया जाता है। तो ये वैसे ये जो आप देखेंगे लोकेशन अर्जेंटीना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो स्ट्रियाटेड काराकारास जो पाए जाते हैं ये भी जो है स्मार्ट फाल्कन्स की कैटेगरी में आते हैं और ये भी जो है प्रॉब्लम तक सोल्व कर लेते हैं, तो इनके बारे में एक नॉर्मल ये न्यूज आ जाई थी तो पता होना चाहिए आपको कि अर्जेंटाइन कोस्ट और फॉकलैंड आइलैंड की लोकेशन पता होनी चाहिए।
और मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि ये दिखने में कैसे होते हैं, तो ये भी आर्टिकल में नीचे मेंशन किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हैं, और इस न्यूज से इतना ही है। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम, और ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से रिलेटेड न्यूज है। इस बार इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन के टाइम देखा जाता है कि ये ज्यादा ही न्यूज में रहता है ईडी को लेकर, कि बाकी अपोनेंट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात पर कहती रहती है कि आप जो है ईडी का गलत इस्तेमाल करते हैं और हमारे यहाँ पर छापेमारी रेड वगैरह होती है और उसमें जो है आप पॉलिटिकल एडवांटेज लेते हैं इलेक्शन के अंदर। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है आर्टिकल में, इसमें तो कुछ नहीं है, बार बार न्यूज में देखेंगे, पर इतनी बार जब बार बार न्यूज में आ रहा है तो क्यों नहीं हमें ईडी के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन फ्रेम होने की पूरी पूरी संभावना है और क्वेश्चन अभी तक तो आया भी नहीं है, इसलिए भी ज्यादा संभावना हो जाती है कि अगर क्वेश्चन नहीं आया तो एक नया टॉपिक बनता है। तो इस बारे में हम ईडी के पेज से ही इसमें देखेंगे रिलेवेंट चीजें जो हम मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, इन्हें ध्यान से देखने की जरूरत है। पहली चीज तो हिस्ट्री क्या है ईडी की, उस बारे में देख लेते हैं हम। और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट चीजें इसमें समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज जो है वो देखने वाली ये है कि जो ईडी है एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, फाइन, और ये ईडी के होम पेज से ही हम देख रहे हैं इस न्यूज को, जो कि पूरी तरह से हमारे लिए एक ऑथेंटिकेट डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली चीज ये देख लेते हैं इसमें कि ये इसका ओरिजिन कहां से होता है। ये फर्स्ट में 1956 में एनफोर्समेंट यूनिट के फॉर्म में इसका नाम स्टार्टिंग में ये होता है एनफोर्समेंट यूनिट फर्स्ट में 1956 से, और उस टाइम जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आती है। और जब इसका स्टार्टिंग होती है फॉर्मली ये ओरिजिन नेट होती है तब ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर आती है। तब ये फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के लॉज के अगर वॉयलेशन में अगर कुछ चीजें हो रही है तो उनको देखने के लिए काम कर रही होती है, और ये यूनिट का हेडक्वार्टर दिल्ली में होता है, स्टार्टिंग से दिल्ली में होता है, फाइन, और ये एक किसी लीगल सर्विस ऑफिसर के द्वारा हेड किया जाता है, और साथ में जो है जिसको कि डायरेक्टर ऑफ ईडी बोला जाता है, और साथ में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी एक जो है डेपुटेशन पर इसको ऑफिसर असिस्ट करने के लिए होता है साथ में, और तीन इंस्पेक्टर होते हैं जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं। ये एक बेसिक चीजें हैं क्योंकि आरबीआई का भी एक ऑफिसर इसमें होता है, ये पता होना चाहिए। उस टाइम दो ब्रांचेज जो रखी गई थी बॉम्बे और कलकत्ता में, और उसके बाद 1957 में जो है एक तो इसका रीनेम कर दिया गया और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसका नाम कर दिया गया, जबकि ये 1956 से ही आ गई थी लेकिन नाम 1957 में चेंज किया गया। और ये दो जो ब्रांचेज हैं इसके साथ में एक और ब्रांच मद्रास में भी ओपन कर दी गई, तो चारों मेट्रो सिटीज में अब ब्रांच है जिसमें से दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और 1960 में क्या किया जाता है कि इसको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से ले जाकर इसको डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये इंपॉर्टेंट है, और वर्तमान में भी जो है ये एट प्रेजेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर काम कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये काम कर रही है अभी, ये पता होना चाहिए। और उसके साथ ही आगे जाकर क्या होता है कि 1972 में जो है फेरा एक्ट जो है ये फेरा 47 एक्ट को या 1947 एक्ट को जो है रिप्लेस कर देता है, और फिर इसके कॉन्टेक्स्ट में ये काम करने लगती है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। और उसके बाद आगे जाकर क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए 1973 से 1977 तक ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंडर के ज्यूरिडिक्शन के अंडर ये काम करती है, लेकिन इसको फिर वापस जो है इसको वापस ही इसका कंट्रोल जो है डिपार्टमेंट रेवेन्यू को दे दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो एट प्रेजेंट इसकी जो स्टेटस है वो ये है। दूसरी चीज आगे जाकर क्या होता है कि कुछ और एक्ट्स आते हैं जिनके अंडर भी इसको रेगुलेटरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। फेरा 1973 जो एक्ट होता है उसको बाद में जाकर जो है रिपील्ड कर दिया जाता है और इसके जगह पर नया एक्ट ले आते हैं हम, फेमा 1999। ये पता होना चाहिए कि फेमा 1999 किसको रिपील किसको रिप्लेस करता है, ये फेरा 1973 को करता है रादर देन 47 को तो 73 में किया जा चुका होता है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। और ये 1990 फेमा जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, काफी बार आप न्यूज में देखेंगे, काफी पॉलिटिकल न्यूज में होता है, पर ये यहाँ ईडी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1 जून 2000 से जो है ऑपरेशन में आता है। उसके साथ में जो इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेजिम स्टार्ट होता है
2001 में आपको सुनने में आएगा कि जो FATF है, फॉरेन एक्शन ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जो पहले तो जो है मनी लॉन्ड्रिंग के कंटेक्स्ट में काम कर रही होती है पहले से ही, वो टेरर फाइनेंसिंग को भी ऐड करती है 2001 में, और उसके बाद से ये जो है वेरियस कंट्रीज अपने मेंबर कंट्रीज को कहती है कि आप भी जो है आप पर्टिकुलर लॉ रखिए इस बारे में। तो उसके बाद से जो है हमारे यहाँ कंट्री में जो है मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 जो है वो पास होता है, और उसके साथ ही ईडी को ये काम भी दे दिया जाता है, और ईडी जो है इसके एनफोर्समेंट को 1 जुलाई 2005 से देख रही है, तो ये भी पता होना चाहिए। साथ ही में एक और क्या होता है आगे जाकर कि जो फॉरेन कंट्रीज में अगर इकोनॉमिक ऑफेंडर मेनली क्या होता है कि वहां पर जाकर जो है शेल्टर ले लेते हैं, और उसके बाद जो है हम उनको प्रोसिक्यूट ही नहीं कर पाते हैं, उनके ऊपर जो है कोई एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया था कि फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 पास किया था FEOA, और वहां भी ईडी को इंटरेस्ट किया गया था इसके एनफोर्समेंट को लेकर 2018 से। तो ये भी ध्यान रखना है कितने एक्ट ये हो जाते हैं, PMLA, FEMALA 1999 और FEO एट प्रेजेंट इन सभी को देख रही है। और साथ में और इम्पोर्टेंट कुछ और न्यूज जो यहाँ से देख सकते हैं हम ईडी से, वो यहाँ देखेंगे हम कि ईडी का और क्या काम है, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है कि क्या क्या काम ईडी करती है, और ईडी की ये ऑफिशियल वेबसाइट से हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये देखिए, एक तो PMLA हमने बात की एनफोर्समेंट को लेकर के, किन एक्ट्स के एनफोर्समेंट को लेकर ईडी काम करती है, और ये स्टेच्यूटरी फंक्शन है, ठीक है, स्टेच्यूटरी बॉडी है, और ये PMLA को लेकर, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1990 FEMA को लेकर, और तीसरा हमने ये तीन तो देख लिए, फ्यूगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2018, उसके साथ में और पता होना चाहिए कि FERA 1973 जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसको लेकर भी जो है इसका मेन फंक्शन ये आ जाता है कि ये जो है शो कॉज नोटिस दे सकती है अप टू 31 मई 2002, क्योंकि उसके बाद में PMLA आ गया था, तो अब इसकी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है। और एक ये स्पॉन्सरिंग एजेंसी अंडर COFEPOSA, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंदर भी जो है ईडी को एम्पावरमेंट मिला हुआ है, वह एनफोर्समेंट रिलेटेड अपनी एक्टिविटीज कर सकती है। तो इसके साथ ही जो है हम अब हमारी ओरिजिनल नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज हमने डिस्कस कर ली यहाँ पर, इसके बाद जो है वेनेजुएला से कल भी हमने डिस्कस की थी सेम न्यूज, वेनेजुएला की कैपिटल कारकास, और यहाँ से जो है वेनेजुएला ने क्या किया है गुआना में के साथ जो डिस्प्यूटेड रीजन है उसको लेकर जो है यहाँ पर स्टार्ट कर दिए इन्होंने रेफरेंडम लेकर, ऑयल रिच कंट्री जो हमने कल ही डिस्कस की थी इस बारे में। तो ये रीजन फिर से ध्यान होना चाहिए, लगभग 4-5 बार ये डिफरेंट न्यूज पेपर में आ गया है ऐसे की वो रीजन, पक्का यहाँ से क्वेश्चन आना है इस बार, या तो पर्टिकुलरली सिर्फ इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, या किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में मैचिंग में ये क्वेश्चन होगा। जो फिलहाल जो है गुयाना इसको कंट्रोल कर रहा है इस रीजन को, लेकिन जो है इसके ऊपर प्रेशर बना रहा है वेनेजुएला कि ये तो हमारा रीजन है, वो इसको अनेक्स करने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम, ये जीनोम सीक्वेंसिंग से है, पूरा आर्टिकल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, जो हाईलाइटेड चीजें सिर्फ वही देखेंगे हम, बेसिक पता होना चाहिए, जैसा नाम ही देख रहे जीनोम सीक्वेंसिंग, और हेडलाइन जैसा बोल रही है कि ट्रांसफॉर्मेटिव बेनिफिट्स ऑफ पॉपुलेशन लेवल, तो एक्चुअल में क्या है कि हम जो पॉपुलेशन है उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं, जिसके द्वारा हम कई सारी एप्लीकेशंस, पॉजिटिव एप्लीकेशंस जो कि हेल्प मिल सकती है हमें, और ट्रांसफॉर्मेटिव बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे कि कई सारे प्रोग्राम्स के थ्रू हम ये एडवांटेज ले सकते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज को समझ पाएं, उनमें जो डिजीज का पैटर्न है उसको समझ पाएं, कहाँ कहाँ पर क्या बायोमार्कर्स के थ्रू ये पता लगा पाएं कि किस रीजन में और किस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कौन कौन से डिजीज हैं, कौन कौन सी उनकी खास करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बेसिस पर जो है हम नई ड्रग्स डेवलप कर पाए, नई थेरेप्यूटिक्स और नई वैक्सीन डेवलप कर पाए, तो ये सब चीजों में ये हेल्पफुल होगा। फाइन, ये मैन इसका पर्पज हो जाता है ताकि मेडिकल केयर और वहाँ डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प मिल सके। तो इसी के लिए कुछ जो जिस्ट है वही इसके लिए काफी है इस आर्टिकल के लिए, कि पहले डिकोड जीनोमिक्स करके सबसे पहले एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था ग्लोबली देखा जाए तो 1996 में, और ये आइसलैंड में स्टार्ट किया गया था, ये जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर ही एक एफर्ट किया गया था,
वहाँ की पॉपुलेशन को लेकर, जीनोम स्टडीज को लेकर, और पर्पज यही था कि आइसलैंड वहाँ की पॉपुलेशन को लेकर ये पता लगाया जाए कि मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ में हम और क्या एडवांसमेंट ला सकते हैं और क्या हेल्प कर सकते हैं। और रिसेंट में क्या हुआ है कि जो कुछ हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जो काफी एस्ट्राजेनेका, नोवा नॉर्डिक ये सब करके हैं, ये सब एक साथ मिलकर जो है अफ्रीका में जो है अफ्रीकन में कुछ लगभग 5 लाख इंडिविजुअल्स को लेकर उनके जीनोम सीक्वेंसिंग का प्लान कर रही है, फाइन, जिसका नाम रखा है इन्होंने डाइवर्सिटी ह्यूमन जीनोम इनिशिएटिव। तो ये पता होना चाहिए डाइवर्सिटी ह्यूमन जीनोम इनिशिएटिव अफ्रीका में हो रहा है और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक साथ मिलकर प्लान कर रही है। इंडिया भी इसमें कुछ एफर्ट कर रहा है, तो इंडिया का भी इंडीजेन करके एक प्रोग्राम है, वो काफी पहले से स्टार्ट किया गया था और इसमें भी जो है हमारी पॉपुलेशन जीनोम तैयार करने की इसमें वही प्लानिंग थी जो एक अर्ली व्यू बताता है, और लगभग 1000 से ज्यादा जीनोम्स इसमें तैयार किए गए थे। तो वही था इसमें कि आप जेनेटिक डिजीज में आप और ज्यादा एडवांस रिसर्च करके और उनके लिए नई ड्रग्स और नई थेरेपीज तैयार कर सकते हैं इसके बेसिस पर, ये मेन पर्पज है। और जो रेयर डिसऑर्डर्स होते हैं उनको आप कैसे कंटेन कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम, और ये ग्रांड मास्टर, ये स्पोर्ट्स से न्यूज है और स्पोर्ट्स में भी पर्टिकुलर ये है चेस से, पर ये मैंने देखा है कि ये 3-4 बार जो है ये इंडियन एक्सप्रेस के या तो एक्सप्लेनर में या वर्ल्ड मीन्स में ये मेंशन हो चुकी है इस ईयर, और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमने देखा यूपीएससी में कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आने लग गए हैं, तो यहाँ पर ग्रांड मास्टर किसको बोला जाता है उसी के कंटेक्स्ट में बताने की कोशिश की गई। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया में अब जो है चेस का अच्छा खासा बोलबाला है, चेस का हमने चेस ओलंपियाड भी जो है चेन्नई में करवाया था लास्ट ईयर, तो वहां से लेकर भी जो है क्वेश्चन पूछा गया था। और साथ में ये भी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमारे जो ग्रैंड मास्टर्स की जो पोस्ट है वो अच्छी खासी मिल रही है, हमें काफी ज्यादा इसमें ग्रो कर रहे हैं हमारे यहाँ के लोकल जो भी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं चेस के, वो अच्छी खासी प्रोग्रेस कर रहे हैं। और ज्यादा ध्यान में ये रखा गया कि जो अभी रिसेंट में जो प्रज्ञानंदा की सिस्टर है उन्हें भी जो है ग्रांड मास्टर की जो है ये टाइटल मिल चुका है, और अब वो भी एक लाइफ टाइम टाइटल। तो इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या इसकी किस तरह से मिलता है एक्चुअली। तो ग्रांड मास्टर बनने के लिए मेन होता है कि आपको जो है 2500 फीडे रैंकिंग पॉइंट को क्रॉस करना होता है। फीडे यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फीडे रैंकिंग पॉइंट होते हैं, ये 2500 क्राइटेरिया इसको क्रॉस करना होता है। मेन क्राइटेरिया ये है और इसके साथ में कुछ और बेसिक क्राइटेरियाज भी होते हैं जो काफी टफ होते हैं, और वो पूरे जब एक प्लेयर क्रॉस कर लेता है तो उसके बाद उसको चेस मास्टर बोला जाता है। तो ये इंडिया में अभी चेस की हिस्ट्री में ही, जबकि ये फर्स्ट एवर ग्रांड मास्टर ब्रदर सिस्टर का देखा गया है कि भाई बहन को एक साथ जो है ग्रांड मास्टर मिला है, तो इसलिए भी ये न्यूज में रहा है। और इसमें एक चीज ये है कि ये सबसे बड़ा टाइटल माना जाता है चेस में, फाइन। और जो फिडे है ये फ्रेंच नेम का एक्रोनिम है, फेडरेशन इंटरनेशनल देस ईचेस, ठीक है। अब ये जो फिडे की जो आप देखेंगे ये गवर्निंग बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, ये भी पता होना चाहिए आपको, फाइन। और एक तरह से सुपर इलीट लोग माने जाते हैं अगर इनको ये टाइटल मिल जाता है तो, और लाइफ टाइम के लिए ये होता है। बस ध्यान ये रखा जाता है कि आगे कोई ऐसी कोई प्रूवन ऑफेंस ना किया हो प्लेयर ने, लाइक चीटिंग और नॉन एथिकल एक्टिविटीज, तो वो लाइफ टाइम के लिए चेस मास्टर माना जाता है। इंडिया का फर्स्ट चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद, जो 1983 में ही बन गए थे इंडिया के फर्स्ट, इनके फर्स्ट टाइटल जो इंडिया को मिला था ग्रांड मास्टर का, वो विश्वनाथन आनंद को मिला था। और उसके साथ जो है कुछ और भी चीजें इसमें देखी गई हैं क्वालिफिकेशन को लेकर जो क्राइटेरिया है, और ये 1950 से ये स्टार्ट किया हुआ है, ये ग्रांड मास्टर वाली जो ये रैंकिंग है ये तब से कंटिन्यू चलती आ रही है अभी तक। और इसका जो क्राइटेरिया है, पहला जो ग्रांड मास्टर था वो यूएसएसआर से था, और देख रहे हैं कि यूएसएसआर का दबदबा शुरू से ही है चेस में, पर अब बाकी और कंट्रीज भी आगे निकलने लगी हैं, ठीक है। और करंटली फिडे अवार्ड्स जो है वो हाईएस्ट ऑनर है, मैं बार बार बता ही रहा हूँ, टू ए प्लेयर हु कैन अचीव है फिडे क्लासिकल और स्टैंडर्ड रेटिंग, दोनों रेटिंग अगर वो 25 प्लस की ले लेता है, ठीक है, क्लासिकल और स्टैंडर्ड दोनों में ही अगर इसमें हो या इधर इसमें हो, प्लस 3 ग्रांड मास्टर नॉर्म्स भी होते हैं साथ में,
तो नॉर्म्स होते हैं वो डिफाइंड किए जाते हैं बाय अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड रिग्रस रूल्स रिगार्डिंग टूर्नामेंट गेम्स एंड प्लेयर्स दैट आर सेट आउट इन द फिडे टाइटल रेगुलेशंस। तो ये है इसका क्राइटेरिया कि आप 25 की रेटिंग ले लें और साथ ही साथ 3 ग्रांड मास्टर नॉर्म्स होते हैं उनको क्लियर कर लें, उसके बाद आप जो है ग्रांड मास्टर बन जाएंगे। तो ये इसमें बताने की कोशिश की है, हमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ और ये न्यूज है ग्रेफाइट से रिलेटेड, ये मैंने ली है द टाइम से कि अभी चाइना और यूएसएस में फिर एक सिमिलर ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर फिर से एक वॉर स्टार्ट हो गया है और वो है अब ग्रेफाइट को लेकर। चाइना ने फिर से कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं इसके एक्सपोर्ट को लेकर, वो यूनाइटेड स्टेट्स को लेकर, तो ग्रेफाइट को लेकर ही हम देखेंगे। और अभी ट्रेड डील्स में लेकर काफी ट्रेड वॉर्स दोनों कंट्रीज के बीच लंबे टाइम से होते रहे हैं और क्यों चाइना इतना डोमिनेंट है तो वही देखने की बात इसमें करेंगे हम। तो मेनली क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स को जो है ग्रेफाइट, गैलियम और जर्मेनियम इन तीनों ही क्रिटिकल एलिमेंट्स के लिए या मेटल्स के लिए जो है चाइना पर अच्छा खासा डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो मेन जो सप्लाई चेन है इनकी वो चाइना ही कंट्रोल करता है, ये मेन इश्यू हो जाता है। तो अभी चाइना अगर कई बार जो इंपोर्ट को बंद एक्सपोर्ट को बंद कर देता है तो अच्छा खासा जो इंपोर्टिंग कंट्री है उसको नुकसान होता है। दूसरी चीज ये है कि ये जो बार बार देखने को मिलता है कि रेयर अर्थ मेटल्स क्या हैं, तो एक्चुअल में एक ग्रुप ऑफ 17 एलिमेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट आज के टाइम में जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं क्लीन एनर्जी देख लीजिए या और टेक्निकल इंडस्ट्री में है वहां पर ये इनका यूज है और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में यूज है, स्मार्टफोन वीपन जो एडवांस वीपन सिस्टम है उन सभी में इसका यूज है, इसीलिए इनको बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कैटेगरी में काउंट किया जाता है। लेकिन खास बात यह है कि इनमें जो है चाइना टॉप प्रोड्यूसर बना हुआ है फिलहाल। ग्रेफाइट का तो देखें तो ये वर्ल्ड का टॉप प्रोड्यूसर है चाइना, ये पता होना चाहिए आपको। दूसरी चीज जो 70% अगर वर्ल्ड का प्रोडक्शन देखा जाए रेयर अर्थ मेटल्स का तो वो चाइना अकेला करता है, ये तो लास्ट ईयर का डेटा ही है बिल्कुल रिसेंट, फाइन। और ये बाकी इसमें क्या है रिफाइनिंग जो है रिफाइनरी में भी जैसे लिथियम का रिफाइनरी देख लिया जाए तो वो भी जो है मोर देन 50% रिफाइनरी जो है चाइना में होती है और इसके साथ साथ जो कोबाल्ट है इसकी भी अराउंड 80% रिफाइनर चाइना है और ये दोनों के दोनों ही जो है बैटरीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स कंपोनेंट बनते हैं। जो बैटरीज अभी ऑब्वियसली आपको अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल और इन सब में बैटरी चाहिए होगी, एनर्जी स्टोरेज में चाहिए होगी, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज के लिए भी चाहिए होगी, तो इन सभी का जो एक इंपॉर्टेंट जो की पार्ट है वो ग्रेफाइट और लिथियम और साथ में कोबाल्ट ये तीनों ही काउंट होते हैं, तो इनमें भी चाइना डोमिनेंट पोजीशन पर है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ग्रेफाइट को लेकर बेसिक चीजें ये भी देख सकते हैं इसके यूज वगैरह क्या है, तो इसको भी लेकर मैं आपको बता दूं कुछ पर्टिकुलर चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। बिल्कुल पूछा जा सकता है, पिछली बार भी कोबाल्ट पर और एक और लिथियम पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो हमें पता होना चाहिए, तो वही हम देखने की कोशिश करेंगे। अभी पहली चीज ये एक एलिमेंट है कार्बन का ही ऑब्वियसली और इसकी जो आप देखेंगे स्ट्रक्चर वो हेक्सागोनल है, फाइन, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है ये पता होना चाहिए। बेसिक चीजें देखेंगे, पूरा का पूरा हमें देखना भी नहीं है, इसके कुछ यूजेस देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ग्रेफाइट दोनों तरह का पाया जाता है, नेचुरल ग्रेफाइट भी है नेचर में नेचुरली मिलता है और साथ में हमारे पास सिंथेटिक ग्रेफाइट भी है, फाइन। और ये इंडिया में भी इसकी माइनिंग होती है तो ये भी पता होना चाहिए, चाइना में भी है और मेजर चाइना है इसका, साथ में यूएस में भी कुछ एरिया में मिलता है पर इतना सिग्निफिकेंट नहीं मिलता और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके यूजेस क्या है, तो यूजेस को लेकर हम चलते हैं। और एक बात और भी ध्यान रखने वाली है कि इवन 4th BC से ही जो है इसका यूज यूरोप में देखने को मिलता है तब से ही, और ये जो आपकी पॉटरी मेकिंग है उसमें भी इसका डेकोरेशन में तब से यूज हो रहा है ग्रेफाइट का, तो ये ना हो कि ये रेयर अर्थ मेटल में काउंट कर लें तो हम कि ये अभी से यूज हो रहा है, नियोलिथिक एज से इसका यूज देखा जा सकता है, तो तब से ही किसी ना किसी पर्टिकुलर रीजन से इसका यूज देखा जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि इसके नाम जो है वो अलग अलग नेम्स भी हो सकते हैं, ब्लैक लीड भी इसको बोला जाता है या प्लम बागो भी इसको बोला जाता है, ठीक है।
अब यूजेस देख लीजिए, रिफैक्टरीज, रिफैक्टरीज में यूज ये है कि हीट रेजिस्टेंट मटेरियल के रूप में इसका यूज किया जाता है, और ये आप देख सकते हैं कि लास्ट सेंचुरी से किया जा रहा है इसका यूज। दूसरा इसका एज ए क्रूसिबल भी इसका यूज किया जाता है, बैटरीज में इसका यूज है, ग्रेफाइट एनोड मटेरियल्स बनाए जाते हैं जो लिथियम आयन बैटरीज में हेल्पफुल होते हैं। फाइन, जहां आप देख ही सकते हैं कि ये बैटरीज में चार बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट एंड सेपरेटर। समझ लीजिए क्योंकि बार बार कंफ्यूजन रहता है नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स को, कि यहाँ पर जो ज्यादा फोकस जो होता है कैथोड मटेरियल पर होता है, और उसमें लिथियम हो सकता है, निकल और कोबाल्ट या मैग्नीज, ठीक है। और जो प्रोमिनेंट एनोड मटेरियल यूज होते हैं सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज में, वो होता है फिर अकेला ग्रेफाइट, ठीक है। क्योंकि दो आपके पास जो है एनोड और कैथोड होता है, तो एनोड के लिए मेनली ग्रेफाइट को यूज किया जाता है, और कैथोड में तो आप अलग अलग मटेरियल को यूज कर सकते हैं, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, तीनों को यूज कर सकते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फाइन, और स्टील मेकिंग में भी इसका यूज है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि स्टील मेकिंग में भी यूज है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, स्टील मेकिंग इंडस्ट्री में भी यूज है, ब्रेक लाइनिंग्स में यूज होता है, जो हैवी व्हीकल्स में ब्रेक लाइनिंग के लिए भी यूज होता है इसका, ये एस्बेस्टस का सब्स्टिट्यूट के रूप में भी जो है इसे काम में लिया जाता है, और आपको फाउंड्री फेसिंग्स एंड लुब्रिकेंट्स के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। तो जो पेंट्स तैयार किए जाते हैं उसमें भी इसका यूज होता है, और एवरीडे यूज में आप देखते हैं पेंसिल में इसका यूज है, और काफी लंबे टाइम से है, तो इस तरह से। और पाइन वुड डर्बी करके हैं, और बाकी भी कुछ यूज है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन यूजेस को लेकर आ जाता है तो वो भी ध्यान में रखना है। एक्सपांडेड ग्रेफाइट करके भी एक टर्म देखने को मिलती है, वो किसको बोला जाता है कि ये एक तरह से क्या किया जाता है कि इसको लिक्विड सॉल्यूशन जो कि या तो क्रोमिक एसिड का हो सकता है, उसमें पहले उसमें इसको रखा जाता है, तो इसमें ये सोल्यूबल होता है, उसके बाद इस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में जो है इसको रखा जाता है, उसकी वजह से जो है ये ग्रेफाइट की जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है वह एक्सपांड हो जाती है, और इसीलिए इसको एक्सपांडेड ग्रेफाइट बोला जाता है। तो ये सब चीजें हैं, इसके अलावा इसमें और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। एक इसकी ये देख सकते हैं कि ये लोकेशन, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया में भी मिलता है, चाइना में मेजर है, और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया में भी देखने को मिलेगा, और यहाँ ये आपको साउथ अमेरिका में भी देखने को मिलेगा, और साथ में थोड़ा बहुत जो है इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर यूएस कनाडा बॉर्डर पर भी देखने को मिलती है। तो फिलहाल यहाँ से यही इंपॉर्टेंट न्यूज थी, अब हम नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, और ये मान लीजिए कि इस बार के प्रीलिम्स में आने की बहुत ज्यादा संभावना है, हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक है ये, तो ये आज के इंडियन एक्सप्रेस से लिया है मैंने, क्योंकि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है, और हिस्ट्री के क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं, उसके न्यूज पेपर से आ रहे हैं, तो उसको आप सीरियसली ध्यान में रखें इस न्यूज को। तो एक टर्म है वो करके पूछा जा सकता है, 13th सेंचुरी का वाटर रिजर्वर है, होज ए समसी। फाइन, आपको ये याद रखना होज ए समसी क्या है। होज ए समसी जो है वो एक प्रोजेक्ट था किसका, सुल्तान इल्तुतमिश, ठीक है, सुल्तान इल्तुतमिश का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जो इन्होंने ही कंप्लीट किया था। तो ये मैरोली के पास में है, जो 7 सिटीज है दिल्ली में, जो फर्स्ट सिटी मैरोली बोला जाता है, उसमें जो है ये जहाज महल इसके सेंटर में सिचुएटेड है, और वहां पर जो है होज ए समसी है, और इसको समसी तालाब भी बोला जाता है। तो एक तरह से होज ए समसी जो है ये तालाब है, पानी का वाटर रिजर्वियर है, जो कि अर्ली 13th सेंचुरी में बनाया गया था, ठीक है। देख रहे हैं आप 1211 to 1236 AD, तो इस टाइम ये जो है इल्तुतमिश ने बनाया था, और समसी तालाब करके तो पूछेगा नहीं, वो होज ए समसी करके पूछेगा, और यहाँ पर रूलर्स का नाम रिफ्रेंड कर दिया जाएगा, तो एक वाटर हेरिटेज साइट के रूप में माना जाता है। तो रिसेंट में जो है अभी जो है जियोलॉजिकल सर्वे ASI जो कर रही है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे वो कर रही है, अभी PIG स्टेटमेंट नवंबर 30 में देखा गया है कि वो रिस्टोरेशन काम यहाँ पर करेगी। अच्छा खासा एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है, तो ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जो ये पूरा होज ए समसी, और बीच में जो है ये जहाज महल जो बीच में रिजर्वमेंट होता था, ये सेंटर में होता था, लेकिन अभी आप पिक्चर में देख सकते हैं एंक्रोचमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि जहाज में जो है इस होज समसी के कॉर्नर पर देखने को मिलता है, जबकि पहले ये सेंटर में हुआ करता था। तो इसकी रिपेयरिंग भी अलग अलग टाइम पर अलग अलग रूलर्स ने करवाई, जो कि आर्टिकल में हमें दिया गया, हमें फिलहाल वही ध्यान में रखना है। तो एक तो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने भी टाइमली इसकी रिपेयरिंग करवाई, और एक फिरोज शाह तुगलक है, इन दोनों का भी नाम आपको ध्यान में रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इस रिजर्वर के बारे में जो है इब्न बतूता,
जो एक फेमस ट्रेवलर होता था मोरक्को का, इब्न बतूता, उसने भी जो है इसके बारे में लिखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसने इसको एक रेक्टेंगुलर शेप्ड रिजर्वोयर बताया है, जो इसकी ओरिजिनल शेप हुआ करती थी, क्योंकि अब तो एनक्रोचमेंट की वजह से आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते, पर इसको रेक्टेंगुलर शेप्ड इब्न बतूता ने बताया, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बन जाता है आने वाले प्रीलिम्स के लिए। और इसमें काफी अच्छे तरीके से बनाया गया था, इवन बताया जाता है कि इसमें काफी लार्ज एरिया में हुआ करता था, और ये इसमें जो है अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स और स्ट्रीम्स भी होती थी, ठीक है। तो ये काफी अच्छे तरीके से बनाया गया था, और जो किंग होता था वो जहाज महल के पेविलियन से बैठकर, बीच में बैठकर यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड कर सकता था। तो ये आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। ये है इंडिया फिर से जो है यहाँ पर इलेक्ट हो गया है, इंडियन इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन की काउंसिल में फॉर टू इयर्स 24-25 के लिए, फाइन। तो एक क्या होता है इंटरनेशनल मैरिटाइम काउंसिल के बारे में एक चीज तो समझ लीजिए कि जेनेवा में 1948 में यूएन की जो मीटिंग होती है जेनेवा में, वहां पर ये डिसाइड कर लिया जाता है कि इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन हम एस्टैब्लिश करेंगे, फाइन। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट जो होता है वो तब नहीं होता है, और एस्टैब्लिशमेंट जो इसका काफी लेट होता है, और वो इसके लगभग 10 ईयर्स के बाद यानी कि 1958 में एस्टैब्लिश होता है। दूसरी चीज इसकी ध्यान रखनी है, हेडक्वार्टर लंदन में है, पता होना चाहिए, लंदन में काफी कम हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं, लंदन यूनाइटेड किंगडम, ओके। और इसमें देखना है कि इसकी मेन गवर्निंग बॉडी होती है वो, उसको बोला जाता है असेंबली, फाइन। ये 2 साल में एक बार मिलती है, ठीक है, वंस इन 2 ईयर, ये ध्यान रखना है। तो ये 2 बार, लेकिन इसके साथ ये देखा जाता है कि फिर जो इसका गवर्निंग का जो भी काम देखना है, इसके लिए असेंबली फिर क्या करती है, 40 मेंबर्स की कमेटी बनाती है, और उसी को बोलते हैं ये IMO काउंसिल। 40 मेंबर की काउंसिल बनाई जाती है मेंबर कंट्रीज में से, उसी को IMO काउंसिल बनाते हैं बोलते हैं, और उसका जो है इंडिया इस बार जो है री इलेक्ट हो गया है उसकी काउंसिल में, फाइन, फॉर 2 ईयर्स। तो ये पता होना चाहिए हमें, और अच्छा खासी वोटिंग में हमें हाईएस्ट टैली मिली है, यानी कि हम काफी अच्छे मार्जिन से इलेक्ट हुए हैं फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं, मैं इंपॉर्टेंट यहाँ से, और आप ये जैसा कि मैराइन से ही देख पा रहे हैं इसके ऊपर इंडियन मैराटाइम, तो मैराइन सेफ्टी को लेकर काम करेगी, वहां की मैराइन इकोलॉजी की सेफ्टी को भी लेकर करेगी, मैराइन जो ट्रेड है वो स्मूथली हो उसके ऊपर ध्यान देगी, काफी सारी चीजें हैं, जैसे मारपोल करके भी इसमें एक कन्वेंशन हुआ करती है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो नॉर्स में इसके रिलेटेड सारी चीजें मेंशन करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूज में है, और इंडिया रीइलेक्ट हुआ है तो प्रीलिम्स पे आने की संभावना है इसकी, तो ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक नोट्स में मैं बाकी चीजें कवर कर दूंगा। यहाँ पर कुछ लोकेशन बेस्ड हम चीजें देखेंगे, इसराइल और पैलेस्टीन में बस, और आर्टिकल में और कुछ नहीं देखना, क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस रीजन से। लास्ट टाइम जो है रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से यूक्रेन के आसपास के, यूक्रेन की इवन नेबरिंग कंट्रीज ही पूछ ली गई थी प्रीलिम्स 23 में, तो आप इस बार मान के चलिए कि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। ये एक हॉट रीजन है, न्यूज में काफी रहा है। तो ये गाजा जो पैलेस्टीन का एरिया माना जाता है, यहाँ पे राफा काफी बार ध्यान में रहा है, फिर से बता दूं ये साउथ गाजा में पड़ता है राफा, ये एक लोकेशन ध्यान रखनी है। हेजबुल्ला ग्रुप देखा जाता है, एक टेररिस्ट ग्रुप, ये आपको लेबनन में देखने को मिलेगा, लेबनन जो इसराइल के नॉर्थर्न नेबर है, और लेबनन जो है सीरिया का भी नेबरिंग कंट्री बनता है। कायरो, ये लोकेशन आप देखेंगे, ये कैपिटल ऑफ इजिप्ट है, फाइन। और बीथ हिलेल एरिया है, ये इसराइल का एरिया है, बीथ हिलेल ये पता होना चाहिए, ये इसराइल में है बीथ हिलेल एरिया। रामल्ला है, ये इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में पड़ता है, इसको लेकर काफी ज्यादा कंफ्लिक्टिंग ओपिनियन है दोनों ही कंट्रीज की। और ये वेस्ट बैंक है, इसकी लोकेशन को लेकर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, आपको ऑप्शन में क्या पता दे दिया जाए कि वेस्ट बैंक जो है वो इसराइल के वेस्टर्न पार्ट में है, पर ऐसा नहीं है, वेस्ट बैंक जो है एक्चुअली जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पर है, इसलिए इसे वेस्ट बैंक बोला जाता है, पर इन रियलिटी जो है ये इसराइल के ईस्टर्न टेरिटरी पर आता है। इवन ये जो पैलेस्टीन है इसराइल के ईस्टर्न साइड में, उस एरिया में वेस्ट बैंक है, तो ये इसराइल के ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो ये ईस्टर्न टेरिटरी पर है, फाइन, ईस्टर्न बाउंड्री पर है वेस्ट बैंक।
पर ये वेस्ट बैंक इसलिए बोला जाता है कि जो जॉर्डन रिवर जो यहाँ से और जॉर्डन कंट्री और इसराइल के बीच में जो यहाँ से फ्लो करती है उसकी वेस्ट बैंक पर ये सिचुएटेड है। अब इम्पोर्टेंट आर्टिकल आ जाता है लॉस एंड डैमेज फंड से लेके एलएनडी फंड, और ये एक्सप्लेनर है फाइनेंशियल एक्सप्रेस से मैंने इसको लिया है, और इसमें आपको सभी लॉस एंड डैमेज फंड से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिलेंगे जो अभी तक डिस्कशन में कहीं और न्यूज़पेपर में मैंने देखे नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले प्रीलिम्स के लिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि कॉप 28 यानी कि जो रिसेंट अभी दुबई में चल रहा है यूएई में, उसमें जो है एलएनडी को जो है अडॉप्ट कर लिया गया है, और कंट्रीज ने क्या क्या इस बारे में बात की है वो सब हम देखेंगे इसमें। तो फाइनल पहली चीज तो हम इसमें ये समझ लेते हैं कि जो यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है यूएनएफसीसी का, यूएनएफसीसी उसने डिफाइन किया हुआ है लॉस एंड डैमेज को किस तरीके से, कि एक इकोनॉमिक लॉस भी हो सकता है और नॉन इकोनॉमिक लॉस, यानी कि एक ब्रॉड डेफिनेशन रखी है इसकी इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक दोनों वे में, जो कि आप देख सकते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकती है उसके इंपैक्ट में, जिसमें आप एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी ले सकते हैं, स्टॉर्म सर्ज भी देख सकते हैं, हीट वेव्स भी देख सकते हैं, फ्लड्स भी देख सकते हैं, ड्रॉट्स भी, और एज वेल एज आप और चीजें क्या देख सकते हैं कि जो सपोज करिए कि जैसे ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है, इसकी वजह से कुछ इवेंट्स स्लो हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, फाइन ग्लेशियर की जो है वो आइस मेल्टिंग हो रही है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रही है, फाइन सी लेवल राइज हो रहा है, ये भी एक इश्यू देख सकते हैं सी लेवल राइज, और ये सब चीजें ह्यूमन और नेचुरल सिस्टम को अफेक्ट करती है नेगेटिवली, वो सब चीजें इसमें देखी गई है। तो एक ब्रॉड डेफिनेशन है, तो इससे स्पेसिफिक अगर चीज आती है तो ये आपको समझ लेनी है। दूसरी चीज ये एक तरह से इसको ऐसे समझ लिए, लॉस एंड डैमेज नाम से ही पता चल पा रहा है कि एक तरह से ये एज ए रिहैबिलिटेशन एंड रिलीफ फाइनेंसिंग की तरह काम करेगा फॉर क्लाइमेट वल्नरेबल डेवलपिंग नेशंस एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, फाइन विच हैव वेरी स्मॉल कंट्रीब्यूशन इन द ग्लोबल वार्मिंग इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ये सबको भी पता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है उनका बहुत ही कम रोल रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, और जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्हें वही एक मेजर पार्ट जो है वो उसका मेजर पार्ट पोर्शन जो है वो वहीं से आता है, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स यूरोपियन कंट्रीज मेजर कंट्रीज मानी जाती हैं। तो ये इसमें ये बताने की कोशिश की है जो लॉस एंड डैमेज थ्रू आउट द प्लेनेट हो रहा है उसमें आप जो है फाइनेंशियल हेल्प भी करेंगे और टेक्निकल हेल्प भी करेंगे अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की, ताकि उनके लॉस और डैमेज को जो है ओवरकम किया जा सके। तो फंड को लेकर जो बात है इसको लेकर अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात हो जाती है प्रीलिम्स को लेकर, कि फंड जो है वो पहली बार कब प्रपोज किया गया। आप कॉप 28 देखे आपके साथ ऑप्शन में देखे आपके साथ एग्जामिनर खेल सकता है, तो ये ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो कॉप 28 में नहीं है ये, इसका प्रपोजल सबसे पहले जो है 1991 में ही आ गया था, ये देखने वाली बात है, बाय द अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के द्वारा, जो कि इनको वनवातु करके जो आइलैंड कंट्री है वो इनको रिप्रेजेंट कर रहा था, उसने 1991 में ही ये बात रख दी थी। और जो है ऑफिशियल टेक्स्ट जो है कॉप का वो 2007 में इसे जो है एंट्री भी मिल गई थी, यानी कि तब से कॉप में जो है इसकी बातचीत कंटिन्यू हो गई थी ऑफिशियली, जबकि 1991 में प्रपोजल रख दिया गया था, इसके ऊपर चर्चा स्टार्ट कर दी गई थी, और 2007 में ऑफिशियली ऑफिशियल टेक्स्ट में भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के ऑफिशियल टेक्स्ट में इसको एंटर कर लिया गया था। उसके बाद से क्या होता है कि ये इंस्टीट्यूटेड किया जाता है UNFCCC के नेगोशिएशन में कॉप 19 वर्सोवा 2019 में, यहां से फिर इसके ऊपर बातचीत करना शुरू की जाती है निगोशिएशन में, कि यार अब हम जो है ये जो मैकेनिज्म है इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाना चाहिए हमें। और ये 2009 में जो हम सॉरी 2019 में जो हम देखते हैं वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म, ये इससे रिलेटेड है, तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है, वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म लॉस एंड डैमेज फंड से बिल्कुल इसका संबंध है, यहाँ पर इसके बारे में निगोशिएशन की जाती है, बातचीत शुरू होती है 2019 में। और एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है वो भी मेंशन करता है इसके बारे में, मेंशन द डिबेट इन आर्टिकल 8, कि इसके ऊपर बातचीत हमने जो है प्रीवियस ईयर्स में भी कुछ बातचीत हुई है, ये 2015 का जो कॉप होता है कॉप 21 पेरिस एग्रीमेंट में भी इसका डिस्कशन, और आप देख लीजिए कि जो कॉप 25 है उसमें पार्टीज एग्री कर जाती है कि हम जो सेटअप करेंगे सैंटियागो नेटवर्क टू लिंक कंट्रीज नीडिंग एलएनडी असिस्टेंट टू टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स एंड एक्सपर्टीज, तो सैंटियागो नेटवर्क है वो भी इससे रिलेटेड ही है सैंटियागो नेटवर्क, फाइन ये भी आपको ध्यान रखना है सैंटियागो नेटवर्क। और जो कॉप 26 होता है फिर ग्लासगो में 2021 में, ठीक है ग्लासगो यूके में, जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है लाइफ करके टर्म लॉन्च करने की बात की होती है,
तो वहां पर ग्लास को 2021 में भी जो है लॉस एंड डैमेज फाइनेंस फैसिलिटी पर जो है एक प्रपोजल रख दिया जाता है कि हाँ यार इसको हम ले आते हैं, और डायलॉग इस पर स्टार्ट हो जाता है इसके फाइनेंसिंग को लेकर। उसके बाद फाइनली जो है कोप 27 लास्ट ईयर जो होता है शर्मल शेख में, कोप 27 में जो पार्टीज हैं वो एग्री कर जाती है कि हाँ अब हम लॉस एंड डैमेज फंड जो है एस्टैब्लिश करेंगे और जो अपकमिंग कोप 28 में इसको इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाएंगे। तो उसके बाद जो है एक ट्रांजिशनल कमिटी सेटअप की जाती है निगोशिएशंस के लिए, और फाइनेंस स्ट्रक्चर जो है फंड की वो कोप 28 से पहले तैयार करने की एफर्ट्स किए जाते हैं, और इसी के साथ जो है इस बार जाकर यह चीज की जाती है। और इसमें जो है फंड जो है फिलहाल एट प्रेजेंट जो है वो वर्ल्ड बैंक ही मैनेज करेगा, उसके ही अंडर रखा गया है वो फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए। आगे क्या अभी देखा जाएगा, लेकिन पहले 4 ईयर के लिए तो ये वर्ल्ड बैंक देखेगा। और इसमें भी जो है इसी की तरफ से जो है कोप की तरफ से एक बोर्ड होगा 26 मेंबर्स का, वो पर्टिकुलरली सारी चीजें देखेगा यहाँ पर, जिसमें इस स्मॉल आइलैंड कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से भी होंगे, डेवलप्ड कंट्रीज से भी लोग होंगे। तो ये और इसमें कुछ और चीजें जो चैलेंजेस को लेकर बातचीत की जाती है कि इतना आसान तो है नहीं, अब इसकी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। वो ये है कि एक तो ट्रांजिशनल कमेटी है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज ने ये बोला था कि यार हम वर्ल्ड बैंक के अंडर नहीं देना चाहते, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है मेनली जो है डेवलप्ड कंट्री स्पेशली यूएस और यूरोपियन कंट्रीज का डोमिनेशन इसमें डोमिनेट रहती है, तो वर्ल्ड बैंक जो है इतना इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। और पहले भी वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो हमने फंड रखे हैं उनका जो है जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड है, GCF है, और भी कई फंड्स है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा नहीं है अभी तक, तो हम नहीं चाहते हैं। तो फिर UNFCCC ने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा कि एक ट्रांजिशनल कमिटी रखेंगे हम, जो है वहां पर जो इस फंड के रिलेटेड जो भी डिसीजन लेने होंगे वो लेगी, और वही रिकमेंड करेगी वर्ल्ड बैंक को कि कब कितना पैसा किस कंट्री को किस बेसिस पर देना है। और अगर वर्ल्ड बैंक और उसके डिसीजन के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो ट्रांजिशनल कमेटी का जो डिसीजन होगा वो सुपरसीड करेगा वर्ल्ड बैंक के डिसीजन को। तो फिलहाल बीच का रास्ता निकालते हुए 4 साल के लिए वर्ल्ड बैंक को ये दिया गया। लेकिन अब रियल प्रॉब्लम यह स्टार्ट होती है, रियल प्रॉब्लम ये स्टार्ट होती है कि आपने सब कुछ ओके कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इसमें एग्जैक्टली कितने फंड्स हो सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, नो बाइंडिंग है, फाइन। तो आपने जो है इसको सभी कंट्रीज के आर्बिट्रेशन पर छोड़ दिया है, वो ऑब्लिगेटरी नहीं है, वॉलंटरी रहेगा कि वो इसमें कितना हेल्प करना चाहती है, कितना मॉनिटरी हेल्प देना चाहती है। तो पहली चीज तो यही होगी जो इसके इम्प्लीमेंटेशन को इफेक्टिव नहीं बनाती है कि कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑब्लिगेटरी नहीं है कंट्रीज पर। और जो अभी भी जो कुछ कंट्रीज ने कहा है कि हम जो हेल्प करना चाहते हैं वो फंड्स भी काफी काफी कम रखे गए हैं, अभी भी जो इतना देखने को नहीं मिल रहा है एनकरेजिंग, अभी इसके साइन देखने को नहीं मिले हैं डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से। दूसरी चीज कोई पर्टिकुलर डेडलाइन में नहीं रखी गई है कि इतने पीरियड तक इतना फंड इसमें होना चाहिए और इस पर्टिकुलर पीरियड में सम काइंड ऑफ सम अमाउंट जो है पर्टिकुलर अमाउंट हो फिर कंट्रीज को इस बेसिक किसी क्राइटेरिया बेस पर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी डेडलाइन नहीं है। तो ये भी जो है इसके इम्प्लीमेंटेशन को इतना इफेक्टिव नहीं बनाता है। साथ ही साथ क्या करता है कि फंड ने कोई बेसिक जो है कैटेगराइजेशन भी नहीं किया गया है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में, और इससे डेवलप्ड कंट्री खुश है और उनकी ये डिमांड थी कि वो कैटेगराइजेशन नहीं चाहते। तो इसने क्या है सभी कंट्रीज के लिए कहा है कि सभी कंट्रीज जो है वो कंट्रीब्यूट करने के लिए फ्री है, तो फिर बेनिफिट क्या रह जाता है, डेवलपिंग कंट्रीज से आप पैसा लीजिए उन्हीं को वापस दे दीजिए, तो इसका कोई लॉजिक रह नहीं जाता है। तो ये भी एक बड़ी देखने वाली बात है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। मैंने पूरा डिस्कस करके और इसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया इस आर्टिकल में, क्वेश्चन आएगा तो इस आर्टिकल के बाहर से आने की बहुत कम संभावना होगी। हाँ आगे कोई और इससे रिलेटेड अपडेट आ जाता है तो वो हम न्यूज़पेपर में डिस्कस कर लेंगे, पर अभी तक जो भी इससे रिलेटेड अपडेट है वो सारे मैंने इस आर्टिकल में डिस्कस कर लिए हैं, बाकी चीजें इसमें देखने के लिए रिलेवेंट नहीं है। अब नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। लेपर्ड को लेकर अभी न्यूज चल रही है 2-3 दिन से, इंडियन लेपर्ड को लेकर, कि एक सैनिक फार्म है दिल्ली में वहां पर ये देखा गया है और अभी तक जो है पकड़ने में नहीं आया फॉरेस्ट टीम डिपार्टमेंट की, पर इसके कुछ पग मार्क्स अभी असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखने को मिले हैं। तो एक तो ये ध्यान रखिए कि जो असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसकी लोकेशन आप ध्यान रखिए, ये न्यू दिल्ली में आती है, पहली चीज न्यू दिल्ली में आती है। और इसके अलावा इस आर्टिकल में तो देखने वाली बात नहीं रह जाती है, पर अब जब ये बातचीत आई गई है इसके बारे में इतना चल ही रहा है तो हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि इंडियन लेपर्ड है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, पहली चीज। और इंडिया में कौन कौन से लेपर्ड है, इसके अलावा इंडियन लेपर्ड एक है, उसके अलावा जो है क्लाउडेड लेपर्ड है, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा,
क्लाउडेड लेपर्ड और एक और लेपर्ड आपको वहां पर देखने को मिलेगा जो हिमालयन रीजन में आप देखेंगे। फाइन, तो ये वन ऑफ दी जो फाइव बिग कैट्स हैं इंडिया में उनमें से एक है। और अब तो आप ये भी समझ सकते हैं कि फाइव की बजाय सिक्स ऐड कर दीजिए क्योंकि चीता को भी हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया है। फिलहाल तो चीता भी इंडिया में रह रहा है, ठीक है। तो इंडियन लेपर्ड की जो खास बात है वो हम देखेंगे। एक तो नॉक्टर्नल है, नॉक्टर्नल है तो मेनली जो है ये नाइट में एक्टिव रहता है। नाइट एक्टिविटीज नाइट में एक्टिव रहता है, दिन में ये या तो पेड़ पर छुप जाता है या केव्स के अंदर दिन में रेस्ट कर रहा होता है ये। तो ये बड़ा इल्यूजिव एनिमल है, इसको इतनी आसानी से इसकी साइटिंग नहीं होती और इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि अच्छे खासे एफर्ट कर रहे हैं पर, और इवन ड्रोन की भी हेल्प ली जा रही है कि पता चले कि आखिर इसको जो है ट्रैप किया जाए और जो रिहायशी इलाके से इसको बाहर ले जाया जाए। तो ये काफी स्मार्ट है, काफी इंटेलिजेंट एनिमल है और इवन बिग जो अपने फाइव केट्स है उनमें सबसे ज्यादा जो है अडेप्टिव एनिमल माना जाता है ये। ये तो ऑलमोस्ट ये थ्रू आउट इंडिया ये देखने को मिलेगा। ये हर तरह के एटमॉस्फेयर में अडेप्ट करने में काफी इजीली अडेप्ट कर लेता है ये। और ये इसका कोई पर्टिकुलर वो भी नहीं है कि ये किसी ऑब्वियसली कार्निवोर है पर ये हर तरह की चीजों पर रिलाई करता है, इंसेक्ट वगैरह और इसके जो शिकार होते हैं वो उसमें कोई पर्टिकुलरिटी नहीं होती है। दूसरी चीज ये अपनी एक अपनी टेरिटरी को डिसाइड करके रखता है कि ये या तो अपनी यूरिन की तरह यूरिन है उसके थ्रू ये साइन देता है कि ये मेरे एक एरिया है दूसरे लेपर्ड को, या फिर ये ट्री स्क्रेचिंग करता है, ये भी एक इसकी खास बात है। दूसरी चीज इसकी स्पीड जो है ऑलमोस्ट 60 KMPH तक जा सकती है हाईएस्ट या बिलो। फाइन, और ये इसका जो रिसेंट जो इसका स्टेटस है वो वल्नरेबल है, ये IUCN स्टेटस ध्यान रखना है। तो इंडिया में इसको लेकर कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है इंडियन लेपर्ड को लेकर। क्लाउडेड लेपर्ड है, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा। फाइन, तो यही सब देखना था इसमें। अब नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं हम, और ये है ये स्पेस से रिलेटेड न्यूज है। एक और नई न्यूज देख रहे हैं हम कि एक अनदर गैलेक्सी में जो है हमने एक स्टार है उसके उसकी जो है डिस्क का भी हमने पता किया है। फाइन, और गैलेक्सी का काफी बार न्यूज में नाम सुना जाएगा तो वो पिछले 3-4 सालों में देखी है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा आर्टिकल में। जैसे हमारी गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी है। फाइन, तो अभी तक क्या हो रहा था कि एस्ट्रोनॉमर्स जो है बाकी जो स्टार्स होते हैं अदर गैलेक्सीज में उनके जो सर्कमस्टेलर डिस्क हैं वो नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली साइंटिफिकली काफी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं। पर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर के स्टार के डिस्क को देखा। डिस्क का मतलब आप समझ सकते हैं कि जब स्टार फॉर्मेशन हो रहा होता है स्टार फॉर्मेशन के टाइम तो वहां पर सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही नहीं होती है, उसके अलावा कुछ इन गैसेज के अलावा वहां पर जो है कुछ मेटल्स और कुछ मिनरल्स भी होते हैं। तो और उनकी वजह से एक हाई जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इसके अच्छे खासे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो क्या होता है वो एक अच्छा खासा बाहर की जो भी ये स्पेस में से जो भी मिनरल और मेटल्स होते हैं इनके अट्रैक्शन की वजह से जो है एक डिस्क लाइक शेप बन जाती है उस स्टार के अराउंड, और ये जो है फिर सालों साल तक बनी रहती है, फॉर्मेशन से लेकर ये कंटिन्यू बनी रहती है। तो ये इसका साइज काफी बड़ा होता है और इसकी काफी डिफरेंट और यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हमारे सन के अराउंड भी ऐसी है। तो इसी को देखते हुए जो है हमने बाहर के एक स्टार को देखा गया और जो बाहर की जो गैलेक्सी है उसका नाम हमने रखा है वो उसका नाम है लार्ज मैगेलानिक क्लाउड। ओके, या इसको स्मॉल भी कहीं कहीं बोला जाता है मैगेलानिक, ये टर्म याद रखनी है आपको मैगेलानिक क्लाउड। तो इसी में कुछ चीजें देख लेते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक्सप्लोरर है मल्टी यूनिट या जो ये एक इंस्ट्रूमेंट है वो इस पर लगा हुआ है, वेरी लार्ज टेलीस्कोप। फाइन, VLT वेरी लार्ज टेलीस्कोप, उसने इसकी इमेज ली है जिसको यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तरफ से जो है रिलीज किया गया है। फाइन, और
जो पेरेंट क्लाउड है इसका, उसका नाम है LHA 120N 180B। तो ये टर्म याद रख सकते हैं आप, क्योंकि टर्म है सिंपली क्वेश्चन में देखिए पूछ लिया जाए कि ये क्या है, और इसके अंदर जो सिस्टम है उसको नाम दिया गया है HH 1177। ओके, तो ये ऑब्जर्व किया गया है। अब और थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं हम, कि जैसा मैं बेसिक बता ही रहा था कि सन और बाकी स्टार्स होते हैं उनमें डेंस क्लंप ऑफ इंटरस्टेलर गैस और साथ में डस्ट होती है, फाइन, और उनके कोलैप्स से जो है उनका एक अपना ग्रेविटेशनल पुल बनता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल के अंदर ही उनके एक कोलैप्स लाइक सिचुएशन होती है और उसकी वजह से एक डिस्क लाइक जो है स्ट्रक्चर तैयार हो जाती है। तो सेंटर में स्टार होता है और उसके अराउंड जो है ये क्लाउड लाइक सिचुएशन जो है एक स्ट्रक्चर बन जाती है, फाइन, जो एक स्वर्लिंग डिस्क के रूप में उसके चारों तरफ घूम रही होती है, नंबर वन। बाकी इसमें देखेंगे जो स्टार है उनके अराउंड जो ये मटेरियल होता है ये काफी ज्यादा अच्छा खासा मास होता है इसका, ठीक है। तो यहां पर देखा गया है कि ये सराउंडिंग डिस्क है वो अराउंड 10 to 20 times मोर मैसिव है देन आर सन। ओके, हमारे जो सन के अराउंड जो डिस्क है उसके कंपैरिजन में 10-20 times ज्यादा बड़ी है, और इवन परहैप्स जो है इसकी ल्यूमिनोसिटी है या जो ब्राइटनेस है वो तो अराउंड 10,000 times से भी ज्यादा बताई जाती है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा ब्राइट होगा, जब हम सन की ब्राइटनेस ही हम समझ सकते हैं कितनी ज्यादा है। तो ये एक बड़ी रोचक चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस आर्टिकल के थ्रू भी। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो डायमीटर भी है वो भी काफी ज्यादा है इस डिस्क का, अराउंड ये 12,000 times किसके टाइम्स, जो डिस्टेंस अर्थ की सन से है, या रफली समझ सकते हैं कि 10 times लार्जर देन दी वन दैट एनसर्कल द सन व्हेन इट फॉर्मड अप्रोक्सीमेटली 4.5। तो जो सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है उसका भी अराउंड 12,000 times इतना तो इस अकेले डिस्क का डायमीटर है, समझ सकते हैं। डायमीटर यानी कि रेडियस का जो डबल होता है दोनों इसके पोल्स या अपोजिट एंड्स के बीच की जो डिस्टेंस है, तो काफी बिग स्टार है ये, और स्टार के अराउंड जो डिस्क है उसका काफी बड़ा साइज है। और इस वजह से ये देख सकते हैं कि जैसे सन से भी अच्छी खासी आप देख सकते हैं कि जैसे कोरोनल मास इजेक्शन होता है और सोलर फ्लेयर निकलती है, इसी हिसाब से हर स्टार से जो है वो एक लार्ज जेट ऑफ मटेरियल जो है वो अनलिस्ट करता है स्पेस की तरफ, क्योंकि इस डिस्क में से ऑब्वियसली टाइम टाइम पे जो है पर्टिकुलर सिचुएशन या जो हीट रिलेटेड, प्रेशर रिलेटेड, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे कई प्रॉपर्टीज हैं, कई जो है कॉम्बिनेशन के थ्रू जो है यहाँ पर एक अच्छा खासा लार्ज जेट ऑफ मटेरियल जो स्पेस की तरफ ये इजेक्ट कर रहे होते हैं, नेचुरली ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो यहाँ भी जो है अराउंड 1,60,000 years से ये सब चल रहा है कि हमारे सन भी जो है अर्थ की तरफ, और ये जो भी है ये भी अपने पर्टिकुलर एरिया में ये सब कर रहे होते हैं। तो जो लाइट ईयर है वो किसको बोला जाता है एक्चुअल में, जो लाइट ईयर होता है कि एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस कवर कर लेती है नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में उसको लाइट ईयर बोला जाता है, जो कि अप्रोक्सीमेट 9.5 trillion kilometers होती है, जो कि काफी बिगर नंबर है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि अभी तक तो जो चलो हमारे पास टेक्नोलॉजी में इतना एडवांसमेंट नहीं था, लेकिन हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है हम ये सब नई नई ऑब्जर्वेशन को देख पा रहे हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग चीजें पता चल पा रही है साइंटिस्ट को। और ये बाकी गैलेक्सी की डिस्क भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उसके थ्रू हमारे मिल्की वे के बारे में भी हम कुछ चीजें पता लगा पाते हैं, सिमिलरिटी और उनके बीच के डिफरेंस को समझ पाते हैं। तो जो डिटेक्शन किया गया था वो बेसिकली क्या कहा गया था, तो ये जो टेलीस्कोप है इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है अटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर एरे। अटाकामा से समझ जाएंगे कि अटाकामा डेजर्ट में है, और अटाकामा डेजर्ट की लोकेशन कहाँ पर है, चिले में है। चिले अभी मैंने बताया था अर्जेंटीना के नेबरिंग कंट्री जो है पैसिफिक ओशन की तरफ साउथ पैसिफिक में, वहां पर अटाकामा डेजर्ट है और वहां पर ये अटाकामा लार्ज मिलीमीटर टेलीस्कोप है, फाइन। दूसरी चीज लार्ज मैगेलनिक क्लाउड की मैंने बात करी ली, गैलेक्सी का नाम है तो एक सैटेलाइट गैलेक्सी बोली जाती है जो मिल्की वे के अराउंड स्प्रॉलिंग करती है, फाइन। और एक स्मॉल मैगेलिक क्लाउड करके एक और गैलेक्सी इसके पास में, तो ये दोनों स्मॉलर हैं हमारी गैलेक्सी से, हालांकि इन गैलेक्सीज का साइज जो है वो स्मॉलर है ये पता होना चाहिए। और साथ में बाकी चीजें अगर इसमें देखते हैं तो ऑब्वियसली इसमें बाकी मेटालिक एलिमेंट्स भी होते हैं, जो मेटालिक एलिमेंट जिसको बोला जाता है उसमें ऑब्वियसली हाइड्रोजन हीलियम के अलावा जो मेटल एलिमेंट्स होते हैं उनकी बात की गई है, क्योंकि ये तो गैसियस एलिमेंट हो गए। साथ में जो है ये स्टार विजिबल होता है एट ऑप्टिकल वेवलेंथ पर, तो इसको ऑप्टिकल वेवलेंथ पर देखा गया है, इसी बार इसको ऑब्जर्व किया गया है, जबकि बाकी हमारी मिल्की वे में जो स्टार्स हैं जितने भी नॉन स्टार हैं वो
ऑप्टिकल वे पर देखे जा सकते हैं, जबकि अभी तक ये पॉसिबल नहीं हुआ था कि हमारी मिल्की वे के बाहर की अदर जो गैलेक्सीज हैं बाकी उनके स्टार्स को ऑप्टिकल वेवलेंथ पर नहीं देखना पॉसिबल हुआ था, लेकिन इसको देखा गया कि इसका एक साइज बहुत बड़ा है और साथ में इसकी लुमिनोसिटी हमने देखी कि अराउंड 10,000 टाइम्स ऑफ सन है, तो इसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है और एडवांसमेंट ऑफ हमारे जो टेक्नोलॉजी है उसका भी रोल रहा है इसमें। तो इसका मास भी काफी बड़ा है और जो साइज है डिस्क का वो भी काफी ज्यादा बड़ा है, तो ये आप समझ सकते हैं। साथ में ये बताया जा रहा है कि जो मैसिव स्टार्स होते हैं वो काफी रैपिडली बनते हैं और उनकी लार्ज भी है वो काफी कम होती है देन द स्मॉलर स्टार्स लाइक सन। जैसे सन है वो कंपैरेटिवली स्मॉलर है तो इसकी लाइफ काफी बड़ी है, लेकिन जो बाकी हैं उनकी जो अगर कंपैरेटिवली ज्यादा बड़े हैं तो उनकी लाइफ कम होती है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, मारापी वोल्केनो से लेकर है, इसका फिर से इरप्शन स्टार्ट हुआ इस साल, इसका लगभग 3-4 बार इरप्शन हो गया, जनवरी में भी अच्छा खासा इरप्शन हुआ था। इंडोनेशिया में ये लोकेशन है मारापी वोल्केनो और आप देख सकते हैं ये कंट्री जो है ये इस कंट्री में 120 से भी ज्यादा आपको एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलेंगे। एक्टिव वोल्केनो की बात कर रहा हूं मैं, देख सकते हैं हमारे इंडिया में हम देखते हैं एक्टिव वोल्केनो की बात, तो वो भी एक काफी लंबे टाइम तक एक्टिव हुआ था जो अंडमान निकोबार में है, जबकि आप इंडोनेशिया का साइज भी काफी कम है हमारे कंपैरेटिवली और मोर देन 120 एक्टिव वोल्केनो देखने को मिलेंगे, तो कितना डिजास्टर सिचुएशन थ्रू आउट द ईयर होती है, यहाँ की पॉपुलेशन कितना फेस करती है या बड़ी एक देखने वाली चीज हो जाती है। और ये जो है मेन वजह यही है क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो रिंग ऑफ फायर पर है जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर मानी जाती है। रिंग ऑफ फायर क्यों है, क्योंकि एक आर्क है वोल्केनोज की एंड फोर्ट लाइन की जो पैसिफिक ओशियन या पैसिफिक बेसिन को अनसर्कल करती है, ठीक है, जो कि आप ये लगभग ये आर्क पैसिफिक ओशियन में बनती है जहां ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है और ये सभी कंट्रीज यहाँ पर आसियान कंट्रीज आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फिलीपींस का एरिया, यहाँ पर चाइना, जापान, कोरिया और ये आप यहाँ पर बाकी कंट्रीज देख सकते हैं और ये इंडिया, इंडियन ओशिनिया। तो ये जो आर्क ऑफ है यहाँ पर इंडोनेशिया की लोकेशन देखी जाती है, यहाँ मलेशिया आ जाएगा और ये इस सिंगापुर और मलेशिया देख सकते हैं, तो इस वजह से ये जो काफी एक्टिव होता है जापान में भी इस तरह से और इन सभी कंट्रीज जो है यहाँ पर वोल्केनो और अर्थक्वेक को फेस करती है। तो यहाँ पर देखा गया है कि जो ये फिर से एक्टिव हुआ है और जनवरी से इसमें इरप्शन देखा गया इस बार, तो अच्छी खासी डेंस एश और स्टीम फ्लूम्स जो हैं वो देखने को मिले, जैसे ये आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं अच्छी खासी ये धुआं देख रहे हैं और काफी ज्यादा इसमें जो है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेज जो है ग्लोबल वार्मिंग वाली गैसेज भी इसके साथ साथ निकल रही होती है, वाटर वेपर अच्छा खासा निकल रहा होता है, उसकी वजह से एक्चुअली क्या होता है कि वाटर वेपर की वजह से टेम्परेचर कम होता है, कूलिंग का काम करती है, पर बाद में देखा जाता है कि इसमें से एक मैथेन अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलती है मेजर अगर गैसेज देखे जाए, और नाइट्रस ऑक्साइड भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा, तो इस वजह से भी जो है एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि माउंट मारापी की लोकेशन वोल्केनिक और कुछ और भी वोल्केनो थ्रू आउट द वर्ल्ड हमने देखे थे वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल यही ध्यान में रखना ताना दातार करके एक लोकेशन है वेस्ट सुमात्रा में देखा गया है। अब नेक्स्ट न्यूज पर देखते हैं हम, ये देखिए मेथेन से रिलेटेड न्यूज है, देखिए मोर पोटेंट है लेकिन लेस परसिस्टेंट है, फाइन ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये कम टाइम के लिए ही रहती है, अगर CO2 के कंपैरिजन में देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में कम टाइम के लिए ही रहती है, पर इसकी पोटेंसी जो है अराउंड 28 टाइम्स बताई जाती है, तो इसकी हीटिंग पोटेंसी काफी ज्यादा हो जाती है, तो ये कम टाइम में ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है, तो ये एक मेजर जो है ग्रीन हाउस गैस इसको बोला जाता है। इसके साथ ही हम इसमें देखे समझने की कोशिश करेंगे, यहां से कि देख रहे हैं आप कि बेसिकली जो बोला जाता है CH4 करके इसका जो चार हाइड्रोजन और एक कार्बन एटम करके ये मेथेन बनती है, और ये न्यूज में है इस बार भी काफी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर जो अभी भी COP28 में देख रहे हैं तो ज्यादा ध्यान हमारा किस पर है कि कार्बन डाइऑक्साइड और रिलेटेड गैसेस पर है, पर मेथेन पर इतना हम डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं, जबकि हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि मेथेन भी एक सेकेंड लार्जेस्ट गैस है जो कार्बन जो ग्रीन हाउस या क्लाइमेट वार्मिंग में अपना पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको भी वर्ल्ड लीडर्स को जो है
एक्नोलेज करने की जरूरत है, उसी को लेकर यहां पर बात करने की कोशिश की गई है। बाकी चीजें हम देखते हैं इसमें कि ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, तो ये कंपैरेटिवली और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैं अभी बता दूं आपको, फिर से प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है और इसकी संभावना फिर से है कि जो मेथेन है उसका एक जो ग्रेटर है वो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, जीडब्ल्यूपी करके एक टर्म होती है इकोलॉजी एनवायरमेंट में, ये टेक्निकल टर्म के रूप में समझा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हर गैस का देखा जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जीडब्ल्यूपी के कंपैरिजन मेथेन का काफी ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी, ये कहा जा रहा है कि जीडब्ल्यूपी का एक क्या चीज है, ये एक्चुअल में एक मेजरमेंट है वार्मिंग का, जो एक जो है सब्सटेंस के द्वारा होती है ड्यू टू द सेम मास ऑफ कार्बन डाई। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में देखा जाता है जीडब्ल्यूपी को, कि सपोज करिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 100 ईयर्स में कितना ज्यादा अपना वार्मिंग इफेक्ट रख पाती है, उसी को जीडब्ल्यूपी 100 रखा जाता है, और उसके कंपैरिजन में बाकी गैसेस का कंपेयर किया जाता है। तो सपोज करिए कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम आइडियल कंडीशन में 1 रखेंगे, क्योंकि इसके साथ कंपैरिजन करना है, तो जीडब्ल्यूपी 100 ऑफ 1 है अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ये इंपैक्ट रह पाता है 100 गैस में, तो मेथेन का इसी कंपैरिजन में 28 टाइम्स होगा, 28, और नाइट्रस ऑक्साइड का 265 होगा। समझ पा रहे हैं आप, तो इसका और भी ज्यादा होगा। तो ये देखना है आपको कि पहले CO2 उससे भी ज्यादा पोटेंट मेथेन, और इवन मेथेन और इन दोनों से भी पोटेंट 265 पर N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड फॉर्मूला के रूप में भी पूछा जा सकता है। और उसके बाद में सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 ये सबसे हाईएस्ट पर आती है, इसका 23,500 टाइम्स जीडब्ल्यूपी 100 है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट पोटेंट SF6 है, उसके बाद N2O है, उसके बाद मेथेन और उसके बाद CO2 है। पर जो ज्यादा कंसंट्रेशन देखी जाती है वो सबसे ज्यादा CO2 की है और उसके बाद मेथेन की है। तो ये ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि आप CO2 के साथ साथ जो है मेथेन की भी बात करें, हालांकि मेथेन जो है लगभग 10 ईयर्स तक ही जो है क्लाइमेट में रहती है, उसके बाद जो है डिसअपियर हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, और इसके कंपैरिजन में CO2 जो है लंबे टाइम तक रहती है। तो इसकी जो है लंबे टाइम तक ये ग्लोबल हीटिंग में पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट चीज जो देखना चाहेंगे यहां पर आप, वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अच्छे खासे लंबे टाइम तक रहती है, ठीक है, और ये एक शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोलिटेंट माना गया। अब इसके सोर्सेज भी देख लेते हैं, कैटल फार्मिंग, फाइन, तो कैटल फार्मिंग को भी इसके सोर्सेज में देखा जाता है कि कैटल फार्मिंग से मेथेन है, लैंडफिल से भी है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज में देखा गया है, राइस कल्टीवेशन में देखा जाएगा, और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस भी हो सकते हैं, तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं, और नेक्स्ट न्यूज है वो हमारी इकोनॉमी से है, और ये बड़ी कंसेप्चुअल न्यूज है कि अभी रिसेंट में जो है मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होने वाली है, और ये इसी वीक में होने वाली है दिसंबर में, तो उसी को लेकर बातचीत की गई है यहाँ पर कि जो है लाइक जो एक प्रेडिक्शन रखा गया है कि संभावना है कि जो है RBI जो है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इस बार भी जो है ये रेपो रेट जो है अनचेंज रहने की ज्यादा पूरी संभावना है। उसी पर कुछ कंसेप्चुअल बातें इसमें की गई है। एट प्रेजेंट जो है रेपो रेट जो है वो 6.5 है, जो काफी लंबे टाइम से रखी हुई है, फ्रॉम लास्ट 5 वीक से यही है, और ऑथर यही बताना चाह रहा है कि जो है अभी इन्फ्लेशन रिस्क बनी हुई है अभी भी, और इसको देखते हुए जो है अभी RBI नहीं चाहेगा कि रेपो रेट को कम करने की कोई भी संभावना गुंजाइश रखेगा, क्योंकि वेजिटेबल प्राइसेस अभी एकदम से बढ़ गए हैं, अनियन और टोमेटो के भी देखने को मिले हैं और पल्सेज के भी। तो स्टांस जो होता है वो एक तरह से अभी भी जो है वो विड्रॉल ऑफ अकेडमिशन ही रखेगा। तो स्टांस एक तरह से माना जाता है ना कि क्योंकि कोविड के टाइम स्टांस जो था वो ये अलग था, वो अकोमोडेटिव स्टांस था, जिसमें इकोनॉमी को जो है हेल्प की जा रही थी RBI के द्वारा, रेपो रेट्स कम कर दिए गए थे, CRR वैल्यूज भी कम कर दी गई थी, ओके, ताकि इकोनॉमी में जो है एक्टिविटीज हो सके। लॉकडाउन के टाइम काफी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन हो गई थी, तो अब जो है उनका विड्रॉल कंटिन्यू किया हुआ है RBI ने लास्ट ईयर से ही, और वही सेम स्टांस अभी तक तो रखा हुआ है, तो उम्मीद की जा रही है कि अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी में भी ऐसा ही होने वाला है। नेक्स्ट चीज इसमें जो देख पाते हैं हम वो ये है कि कुछ इसमें कंसेप्चुअल चीजें देख लेते हैं हम जो आर्टिकल में डिस्कस की गई है। एक तो ये है कि जो 6 मेंबर की कमेटी होती है मॉनेटरी पॉलिसी पैनल, 3 मेंबर RBI के होते हैं, 3 मेंबर जो है आपको गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटमेंट होते हैं, 3+3, इन 3 में जो होता है एक डिप्टी गवर्नर होता है, एक आपका खुद गवर्नर ही होता है,
और एक जो है यहाँ के मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट जो है वहां का एक कैंडिडेट होता है जो आरबीआई और डिप्टी गवर्नर जो है वो उसको अपॉइंट करते हैं। तो ऐसे करके तीन कैंडिडेट रिजर्व बैंक से होते हैं और तीन गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तीन कैंडिडेट्स का। तो इनके नाम तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, पर आरबीआई और बाकी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स के नाम भी पता होने चाहिए। जैसे आशिमा गोयल करके एक है इसमें, और एक जैन करके हैं जो प्रोफेसर है आईआईएम अहमदाबाद से, और एक और कैंडिडेट है इसमें। तो ऐसे करके आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इनका यही है कि वोटिंग होती है, इक्वल वोट है, और अगर कास्टिंग वोट की जब नौबत आती है तो फिर गवर्नर जो है कास्ट वोट कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं इसमें। तो वीटो पावर है गवर्नर के पास अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि 3-3 के इक्वल पर आ जाती हैं चीजें, या और भी। और इसका जो आप देखेंगे कि एटलीस्ट 4 मेंबर अवेलेबल होने चाहिए तभी मीटिंग हो पाएगी। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 4 मेंबर तो अवेलेबल हो, उसके बाद ही मॉनेटरी पॉलिसी होगी। और मॉनेटरी पॉलिसी जो भी डिसीजन लेती है वो आरबीआई को फॉलो करना मैंडेटरी होता है। तो मेनली इसकी जो ये सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेकर बात करती है, उसके बेसिस पर ये बेसिक इसका इंडिकेटर होता है कि रेपो रेट को करती है, उसके साथ साथ बाकी रेट्स उस हिसाब से चेंज ऊपर नीचे हो जाती हैं। जैसे LAF करके ये फॉलो करती है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कॉरिडोर, जिसमें आप देख सकते हैं कि रेपो रेट अलग है। रेपो रेट के नीचे पहले CRR हुआ करता था, लेकिन April 2022 में CRR को जो है इन्होंने चेंज कर दिया है और इसकी जगह अब जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी से रिप्लेस कर दिया है और CRR को इससे फ्री कर दिया है। और साथ में जो है MSF मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी या अपर फ्लोर है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का। तो इसमें देख सकते हैं अभी ये जो LAF का बैंड है ये 50 पॉइंट बेसिस पर है, यानी कि ये 0.25% कम होगा रेपो रेट से और ये 0.25% अबव होगा फाइन, और CRR इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। और जब सिचुएशन चैलेंजिंग होती है जैसे इन्फ्लेशन ज्यादा है लिक्विडिटी ज्यादा है तो इस बैंड को जो है LAF बैंड को कॉरिडोर को बढ़ा भी दिया जाता है। जैसे कोविड के टाइम जो है इसको 90 बेसिस पॉइंट्स पर ले गए थे, यानी कि 45 बेसिस पॉइंट ये और 45 बेसिस पॉइंट ये डिफरेंस होता था इन दोनों में, ठीक है। और इसमें चीजें हम देख लेते हैं ऐसी एट प्रेजेंट जो चल रही है कि इन्फ्लेशन का मेन रीजन तो फूड इन्फ्लेशन को देखा जा रहा है, बाकी अभी अनसर्टेनिटी ये भी देखी जा सकती है ग्लोबल मार्केट में। अभी जो OPEC प्लस ने कहा कि हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है प्राइसेस इंक्रीज होकर वो ज्यादा चैलेंजिंग अभी माना नहीं जा रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को देख के अनियन और टोमेटो प्राइस मैंने बताई थी इंक्रीज हुई है, इसी को देखकर आरबीआई ने भी अभी लास्ट रिपोर्ट में कहा था कि हमारा टारगेट यही है कि हम जो है इन्फ्लेशन को 4% के अराउंड रखना चाहते हैं। वैसे भी मॉनेटरी पॉलिसी के पास मैंडेट है 4+-2 के इस बैंड में जो है वो उसको इन्फ्लेशन को कंटेन करके रखना है सीपीआई को, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से हमने देखा था कि ये काफी लंबे टाइम तक जो है 6+ में वैल्यू में रहता, इवन 7% को भी क्रॉस कर गया था इन्फ्लेशन। तो वो भी एक बेसिक चीज है, और वो वहाँ की जो बेसिक मॉनेटरी पॉलिसी की चीजें हैं वो मैं सारी एक नोट्स में पर्टिकुलर इकोनॉमी के नोट्स में आपको मेंशन करके दूंगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है और दोनों हर तरह के एग्जाम्स में आता है। आप रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स को ले लीजिए या यूपीएससी के एग्जाम को ले लीजिए। उसके बाद सीपीआई एट प्रेजेंट जो है ऐसी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है, उसका इंडिकेटर यही है कि वो अराउंड 5% या उसके बिलो है, तो अभी ऐसी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं बनी हुई है। पर फिलहाल फिर भी आरबीआई चाहेगा कि उसको 4% की तरफ लाने का उसका टारगेट अभी रखेगा। साथ में हम देख सकते हैं कि इसीलिए वॉचफुल है ये सब आरबीआई गवर्नर ने कहा भी था कि हम अभी भी कंडीशन देख रहे हैं, हम काफी सीरियसली ले रहे हैं। और निर्मला सीतारमण ने भी फिर उसके बाद जो है मंथली जो इकोनॉमिक जो रिपोर्ट आती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, उसमें भी जिक्र किया था कि हाँ हम आरबीआई के जो भी डिसीजन और जो एक्शन है उनसे हम सेटिस्फाइड है और वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं इन्फ्लेशन को कंटेन करने में और इकोनॉमिक ग्रोथ को कंटेक्स्ट में वो अच्छा डिसीजन ले रहे हैं। साथ में ये हॉकिस बोला जाता है कि आप रेट्स बढ़ा रहे होते हैं या रेट को बिल्कुल कंटिन्यू हायर रेपो रेट्स को कंटिन्यू रखते हैं या उनको और इंक्रीज करने के चांसेस रहते हैं रादर देन डिक्रीजिंग देन, वो हॉकिस टाइप होती है, ठीक है। तो ये अभी हॉकिस मॉनेटरी पॉलिसी देखी जा रही है जब से लॉकडाउन ओपन हुआ है और उसके बाद से इन्फ्लेशन वाली चैलेंजेस आने स्टार्ट हुए थे। साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि हाँ मैं विड्रॉल ऑफ यही कहना चाह रहे हैं,
तो अभी तक जो टोटल ट्रांसमिशन हुआ है आरबीआई की तरफ से वो 250 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में जो है बैंक्स ने ये पूरा का पूरा ट्रांसमिशन किया नहीं है। तो इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का मतलब कि जितने चेंजेस पॉलिसी रेट्स में आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने किए हैं, क्या उतने चेंजेस उन बैंक्स ने बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में भी कर लिए हैं। जब ये कर लेते हैं उतने चेंजेस, तो वो होता है कंप्लीट ट्रांसमिशन। ओके, और लैग तब तक कर रहा होता है जब तक वो इतना पूरा का पूरा चेंज नहीं लाते। जैसे 250 बेसिस पॉइंट का हाई किया है रेपो रेट में, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर हो क्या रहा है, बैंक्स की चीजें देखने को मिलेगी। तो बैंक्स में देखिए आप कि आप जो क्रेडिट के ऊपर उन्होंने डिफरेंट रेट्स इंक्रीज की हैं और डिपॉजिट रेट्स को डिफरेंट मार्जिन से इंक्रीज किया है, पर कहीं भी उन्होंने 250 बेसिस पॉइंट से नहीं किया। तो ये 100% पॉलिसी रेट ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। तो इसको लेकर भी हमने न्यूज देखी थी कि जब ये पूरा ट्रांसमिशन हो जाएगा तब भी मार्केट में जो है थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट होगा, डिमांड्स कम होंगी। जैसे 187 बेसिस और 11111 बेसिस पॉइंट, इसी से जो है इन्होंने फ्रेश लोन्स और आउटस्टैंडिंग लोन्स पर जो है इंक्रीमेंट किया है, और क्रेडिट में भी है 229 और 166 ये फ्रेश और जो आपके एग्जिस्टिंग थे उनके ऊपर इन्होंने डिपॉजिट रेट्स भी इनके इतने इंक्रीज किए हैं। तो अभी भी 250 बेसिस पॉइंट के कंपैरिजन में देखा जाए तो कंप्लीट नहीं है। तो ये इस चीज को ऐसे समझा जा सकता है, आपसे एक बेसिक वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉलिसी रेट ट्रांसमिशन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, कुछ ऑप्शन में चीजें देकर आपको बिल्कुल पूछा जा सकता है और मेंस में भी इसके इम्पैक्ट पूछे जा सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अभी जो फॉरकास्ट है उसमें भी ये बात की जा रही है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन अभी तक जो आरबीआई ने डिसाइड किया था एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, वो कहा था कि इस फाइनेंशियल ईयर 24 में जो है 5.4% रहेगा। तो अभी तक संभावना है कि इसमें तो चेंज नहीं किया जाना चाहिए, ये इसमें सही नहीं रहे, लेकिन ग्रोथ जो है उस पर जो है आरबीआई से देखा जा सकता है कि मार्जिनल इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि 6.5% का फॉरकास्ट आरबीआई ने कर रखा है फाइनेंशियल 24 के लिए। लेकिन जो डेटा जो आए हैं सेकेंड क्वार्टर से वो बड़े अच्छे एनकरेजिंग डेटा है, इसमें देखा गया कि 7.6% की ग्रोथ हुई है, जबकि आरबीआई एक्सपेक्ट कर रहा था इसको 6.8% की ग्रोथ पे। तो इससे काफी अच्छा नंबर इंक्रीज हुआ है। तो देखिए आने वाले क्वार्टर्स में भी ऐसी कुछ एनकरेजिंग न्यूज मिल सकती है हमें, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी में देखा जाएगा आरबीआई इसको लेकर क्या बात रखता है अपनी। तो ये इसमें बात है। इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, ये भी यहीं से है, रेपो रेट के लेकर ही डिस्कशन है, पर इसमें कुछ कंसेप्चुअल चीजें हैं जो क्वेश्चन में आपसे बिल्कुल पूछी जा सकती हैं और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको लेकर हम बात करते हैं यहाँ पर कि आरबीआई जो कंसिस्टेंटली अपना वर्क कर रहा है टू अलाइन सिस्टम लिक्विडिटी टू एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेन पर्पज स्टेबिलिटी का है और ग्रोथ भी साथ होती रहे और इन्फ्लेशन भी जो है वो अंडर कंट्रोल रहे। तो इसी के साथ आरबीआई ने क्या किया था ये आपको पता होना चाहिए, अब पूछे जाने की संभावना है कि एसडीएफ फैसिलिटी जो अभी मैं बता ही रहा था स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लेकर इंट्रोड्यूस की थी अप्रैल 2022 में, और आरबीआई कहना चाह रहा था कि जो एक्स्ट्रा जो लिक्विडिटी है मार्केट से वो एब्जॉर्ब करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एसडीएफ करके एक नया टूल ला रहे हैं, और जो वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो है ऑप्शन जो और वेरिएबल रेट रेपो टूल्स है वो जुडिशियली यूज किए जा सके, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एसडीएफ भी एक नया टूल ऐड कर रहे हैं, और जो रिवर्स रेपो रेट है उसको हम एलएफ जो कॉरिडोर है जो अभी मैंने बता रहा था उसमें से डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो एट परसेंट ये 3.35 पर है परसेंटेज आपको रिवर्स रेपो रेट की। ओके, तो ये देख सकते हैं आप कितना ज्यादा चेंजेस है इसमें। साथ में इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं ये भी चैलेंजिंग है, पर टेलविंड्स हैं वो काफी इसमें एनकरेजिंग है, वो भी नहीं भूलना चाहिए। तो जैसे अभी 2000 करेंसी नोट्स डिसकंटिन्यू किए थे आरबीआई ने, तो उनके टाइम भी जो है लिक्विडिटी अच्छी खासी बढ़ी थी, तो उस टाइम आईसीआरआर करके एक 10% का टेम्पररी इंट्रोड्यूस किया था ताकि उसे और जल्दी जो है आरबीआई जो है एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को अंदर ले सके, तो वो अब विड्रॉ कर लिया गया है, ये भी इसमें बताया गया। साथ में अब ग्लोबल हेडविंड्स हैं उनमें आप किस किस को समझ सकते हैं, एक यूएस फेडरल रिजर्व के क्या डिसीजन हो सकते हैं क्योंकि वहां पे इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन थी, वो रेट्स इंक्रीज करता है कम करता है ये देखना हो रहा होगा। यूके में एनुअल इन्फ्लेशन क्या बना हुआ है, यूरोपियन यूरो जोन में क्या बना हुआ है, ये भी इससे भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट आता है फाइन, और ये सब चीजें देखी जाएंगी। साथ में ओपेक प्लस के डिसीजंस क्या होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज
और प्लस में इसमें बाकी 10 कंट्रीज वो रेड हो गए, ये ओपेक प्लस बनता है। तो अगर वो रेट्स क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर इनके डिसीजन की वजह से इंक्रीज होती है तो उससे भी हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होगा, क्योंकि हम वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टिंग कंट्री हैं। तो और साथ में देखा गया कि इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट का भी कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, हालांकि ज्यादा इम्पैक्ट आने की संभावना नहीं रह जाती है अब। और रशिया यूक्रेन की जो कोलेट्रल डैमेज होना था वो हो चुका है, अब उससे इंडियन ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर ज्यादा इफेक्ट होगा नहीं। साथ में अब अपकमिंग चैलेंजेस की बात की जाती है तो वो यही बताया जा रहा है आर्टिकल में। तो ये काफी कंसेप्चुअल आर्टिकल है और आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इन्फ्लेशन ग्रोथ डायनामिक्स देखी जाएगी अब, ठीक है। एल नीनो का इम्पैक्ट को भी देखा जाएगा, क्योंकि फार्म सेक्टर पर इस बार तो बड़ा अच्छा खासा नुकसान हुआ है इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में, और उसकी वजह से हम अभी देख भी पा रहे हैं कि इन्फ्लेशन वापस जो है वेजिटेबल्स में आ गया है, तो इसका भी ओवरऑल इकोनॉमी पर इम्पैक्ट होता है। तो ये सब चीजें इसमें कंसेप्चुअली डिस्कस किया गया, इसीलिए मैंने इस आर्टिकल को रखा है ताकि आप इसको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग रहे, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इकोनॉमी से आते हैं। तो अभी तो इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, बाकी आगे देखते हैं। तो ये सब था, अब नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं हम। ये अगर आपसे पूछ लिया जाता है सिंपल क्वेश्चन कि रिसेंट में जो है वन प्रोविंस वन पॉलिसी प्लान न्यूज में रहा है, वो किस रीजन से है और किस कंट्री से रिलेटेड है, तो सिंपल सा आंसर होगा चाइना से रिलेटेड है। चाइना ऐसा प्लान फ्रेम कर रहा है फॉर फाइनेंशियल रिस्क के लिए, चाइना ने मान लिया है कि वो अवॉइड करना चाहता है कि वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच सभी प्रोविंसेस में नहीं लगा सकते हैं, और इसी को लेकर जो है डिफरेंट प्रोविंसेस से कहा गया है कि आप अपने अपने पॉलिसी प्लान बनाइए और फिर आप हमें वो सब भेजिए, ताकि हम फिर उसमें जो है जरूरी कुछ भी चेंजेस होते हैं वो करके और अप्रूव करते हैं। हर प्रोविंस के लिए एक डिफरेंट फाइनेंशियल रिस्क प्लान होना चाहिए, तो वन प्रोविंस वन पॉलिसी प्लान करके आप इसको ध्यान में रखना है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं, और ये नेक्स्ट न्यूज जो देख रहे हैं हम, ये इंडिया का एक मिशन है, इसरो ने कहा है कि हो सकता है इस मंथ के एंड में जो है हम एक इंडिया का पहला पोलरीमेट्री मिशन जो है वो लॉन्च कर दें, ठीक है। तो ये इंडिया कंट्री का पहला पोलरीमेट्री मिशन होगा, और साथ ही साथ जो है ये वर्ल्ड का दूसरा होगा, सेकेंड स्पेस मिशन होगा टू मेजर दी पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलरीमेट्री से हम देखते हैं कि लाइट के पोलराइजेशन को मेजर करेगा, और इंडिया का पहला होगा, और इसमें जो कंपोनेंट इसका नाम रखा गया एक्सपोसेट एक्स, यानी एक्सरेज के थ्रू होगा, और पोलराइजेशन का इसका काम होगा सेट फॉर सैटेलाइट, ओके। तो इसे आप समझ सकते हैं एक्सपोसेट ये, और इसके कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं, टेक्निकल चीजें, बाकी जब ये लॉन्च होगा तो ऑब्वियसली न्यूज में चीजें होंगी तो और डिटेल में देखेंगे। तो अभी तक जो न्यूज मिली है उसमें यही कहा जा रहा है कि इसमें दो इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे एक्सपोसेट में, जो इन्वेस्टिगेट करेंगे पोलराइजेशन ऑफ इंटेंस एक्सरे सोर्सेज का, ठीक है, मेन एक्सरे सोर्सेज पे इसका फोकस होगा, जबकि जो स्पेस बेस्ड एक्सरे एस्ट्रोनॉमी है वो इंडिया ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर रखी है। वो किस पर फोकस करिए प्रीडोमिनेंटली, वो इमेजिंग टाइम डोमेन स्टडीज एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह कर रही है, और ये जो है ये इसी हमारी एस्ट्रोनॉमी के साथ जो है एक तरह से वैल्यूएशन का काम करेगा, क्योंकि एक्सरे सोर्सेज को देखेगा, बाकी ये बाकी सोर्सेज को देख रहे थे, ठीक है। तो ये एक अच्छी खबर है, और इसी में हम देखते हैं कि और कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं हम, जो मैंने ये डिटेल में बताया कि इंडिया का फर्स्ट है और वर्ल्ड का सेकंड है, और ये काफी क्रूशियल मिशन है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये अच्छी खासी चीजें देखने को, ये मेजरमेंट करेगा एमिशंस, कहां से एमिशंस, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल फोर्सेज लाइक ब्लैक होल्स है, न्यूट्रॉन स्टार्स है, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई है, इन सबसे इनके एमिशंस को मेजर करेगा और समझने की कोशिश करेगा। तो ये अच्छी खासी हेल्प करेगा हमें, और ऐसे एमिशंस मोस्टली ट्रैक किए जाते हैं स्टडिंग का केमिकल मेकअप से, जो एक स्पेक्ट्रोस्कोप के द्वारा, और इसमें काफी अच्छा खासा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये बड़ी लार्ज डिस्टेंस की वजह से और ये इतने इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं, तो एक तरह से ये काफी हेल्पफुल होने वाला है हमारे लिए। और ये फिलहाल डिजाइन किया गया है ऑब्जर्वेशन लॉर्थ हाइट्स मैन होंगे इसमें ऑब्जर्वेशन की, अगर हम देखते हैं ऑर्बिट जो नॉन सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखने की, तो ये बाकी डिटेल्स हैं वो जब लॉन्च हो जाएगा तभी हम डिस्कस कर लें, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल एक आइडिया दिया है मैंने, क्योंकि देखते हैं एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तभी आएगी जब इसरो ऑफिशियली इस बारे में अपनी चीजें देगा। तो अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, अरे राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट से लेकर है, और यहाँ पर जो है ये न्यूज रही आज, तो राजेंद्र प्रसाद से लेकर हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, वही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस आर्टिकल में। तो कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं,
फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट सर्विंग 1952-1962, फाइन। और काफी इंपॉर्टेंट चीजें ये, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, लॉयर रहे हैं, एक प्रोफेसर भी रहे हैं, एक स्कॉलर रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ अच्छा खासा काम किया है, 3 times प्रेसिडेंट रहे हैं। पता होना चाहिए कब पहली बार 1934 में प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, बॉम्बे सेशन में। 1939 में त्रिपुरी सेशन होता है, त्रिपुरी सेशन में जब सुभाष चंद्र बोस जो है रिजाइन कर देते हैं, उसके बाद ये इन्हें उनकी जगह प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया जाता है। और एक 1947 में भी जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, जब वहां पर जे बी कृपलानी जो है वो रिजाइन कर देते हैं। ये 3 चीजें पता यहां होनी चाहिए। दूसरी चीज देखने वाली ये है कि ये स्कूल टाइम से और अपने कॉलेज टाइम से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है ये कांटेक्ट में आते हैं, और ये वैसे तो बिहार से हैं पर उस टाइम ये कोलकाता में रह रहे होते हैं, तो कोलकाता में ये 1911 में ये एज ए वॉलंटियर इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं एज ए वॉलंटियर, और फॉर्मली ये 1916 में कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं लखनऊ सेशन में, ये ध्यान रखिए। और इंपॉर्टेंट चीज यहां से क्या है, लखनऊ सेशन में कौन रहते हैं प्रेसिडेंट, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम को लेकर। और ये यहां पर एक चीज होती है लखनऊ पैक्ट करके होता है, लखनऊ पैक्ट होता है वो आप देखेंगे, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के बीच होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कौन होते हैं, यहाँ पर तिलक होते हैं, और यहाँ पर जो होते हैं यहाँ पर जिन्ना होते हैं, और जिन्ना ने भी रिसेंट में 1911 में ही जो है मुस्लिम लीग ज्वाइन की होती है, तो ये दोनों मिलके और एक कॉमन एजेंडा पर एग्री करते हैं। और लखनऊ में एक खास बात और होती है, जो हमारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं और जो मॉडरेट होते हैं कांग्रेस के, वो वापस एक साथ आ जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट प्लस मॉडरेट वो वापस एक साथ आ जाते हैं। अब ये 1916 में आते हैं तो ये अलग कब हुए होते हैं, सूरत स्प्लिट याद होनी चाहिए आपको, सूरत स्प्लिट जो सूरत सेशन होता है एएनसी 1907 में सूरत में, और यहां पर ये कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं हमें या तो लाला लाजपत राय चाहिए या हमें जो है बाल गंगाधर तिलक जो है हमारा प्रेसिडेंट होना चाहिए, और जो मॉडरेट हैं वो कहते हैं कि नहीं हम आपके फेवर में नहीं है। और अल्टीमेटली फिर क्या होता है, यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट होता है वो राज बिहारी घोष, और उनकी प्रेसिडेंसी में जो है स्प्लिट हो जाता है और वो दोनों फैक्शन अलग अलग हो जाते हैं। दूसरी चीज ये गांधी के संपर्क में, महात्मा गांधी के संपर्क में यहाँ लखनऊ सेशन में पहली बार आते हैं, महात्मा गांधी से पहली बार यहाँ मिलते हैं राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद क्या होता है कि ये चंपारण जो सत्याग्रह होता है, चंपारण सत्याग्रह जो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस एक्सपेरिमेंट होता है गांधी का, चंपारण सत्याग्रह बिहार में इंडिगो फार्मर्स को लेकर, वहां पर जो है फिर ये इनवाइट करते हैं राजेंद्र प्रसाद को महात्मा गांधी की, आप जो है अपने वॉलंटियर्स को लेकर यहाँ पर आइए और हम अपनी बात रखेंगे। तो यहां से फिर जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन गांधी के साथ, ये गांधी के एक अच्छे खासे साथ में काम करने लगे होते हैं वहां से, ये एक इंपॉर्टेंट इनकी भूमिका देखी जाती है। और जब देखा जाता है कि 1920 में जब रिजोल्यूशन पास हो जाता है बॉम्बे में कि भाई जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करेगी, इस बात को लेकर सब सहमति हो जाती है, तो उसी टाइम से जो है ये अपनी लॉयर वाली जो सर्विस है उसको भी उसे भी रिजाइन दे देते हैं, और जो अपने कॉलेज में जो ये लेक्चरर की पोस्ट है उससे भी रिजाइन दे देते हैं, और फिर फ्रीडम फाइटर की तरह पूरी तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। और चीजें देखने वाली होती हैं कि जब आप अगस्त 1942 में जब आपने क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर रेजोल्यूशन पास किया होता है 8 अगस्त 1942 को,
तो उसके साथ ही जो है इनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और फिर 1945 तक जो है ये जेल में रह रहे होते हैं। उसके बाद ही उन्हें जो है 3 साल के बाद, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लीडर होते हैं, इसीलिए ब्रिटिशर्स भी इन पर काफी नजर रखते हैं, क्योंकि इनका काफी अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट्स में। तो उसके बाद जो है ये हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं, और एक दो चीजें और देख लेते हैं इनके साथ, वो भी मैं डिस्कस कर दूं कि जब हमारी एंटरिम गवर्नमेंट बनती है अंदर द लीडरशिप ऑफ नेहरू, तो वहां पर उस गवर्नमेंट में जो है ये फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इनको दिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये आप देखेंगे ये अगस्त 1946 की न्यूज है, जबकि जब आप देखेंगे कि फिर आगे जाकर नवंबर 1946 में आप जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट के रूप में जो है इन्हें इलेक्ट कर लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, फाइन, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं, मैंने काफी डिटेल में ये डिस्कशन कर लिया है इस बारे में। नेक्स्ट न्यूज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी रिलेटेड है, और ये भी पता होनी चाहिए कि जो करंट सोलर साइकिल इंटेंसिटी है वो 2024 में पीक पर जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है, और ये इंपैक्ट कर सकती है अर्थ के सैटेलाइट्स को। यहाँ भी काफी कुछ कंसेप्चुअल चीजें होंगी जो मैं बताऊंगा, और सोलर साइकिल डायरेक्टली लिंक्ड होता है टू दी जो सन का जो मैग्नेटिक एक्टिविटी है उससे लेकर ये लिंक्ड होता है डायरेक्टली, तो इस पर मैं डिस्कशन करूंगा। यहाँ पर ISER यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता के जो रिसर्चर है उन्होंने ये पता लगाया कि 2024 में जो है ये पीक पर जाने की संभावना है सोलर साइकिल। तो एक्चुअल में होता क्या है सोलर साइकिल वो हम समझ लेते हैं, और ये रफली ये एनसीईआरटी में भी सेम लाइन आपको देखने को मिलेगी, और इसीलिए मैंने इस न्यूज को रखा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसका मेंशन है कि जो रफली एवरी 11 इयर्स पर जो इंटेंसिटी होती है ना सोलर एक्टिविटी की वो अपने पीक पर जाती है, और उसके साथ ही क्या होता है उसके साथ ही ये होता है कि ये मैनिफेस्ट करती है एज वॉयलेंट डिस्टर्बेंसेज इन स्पेस वेदर सच एज सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स होते हैं, कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं, जो कि हमारे सैटेलाइट्स को भी एडवर्सली इंपैक्ट करते हैं, हमारे टेलीविजन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज को इंपैक्ट करते हैं, और साथ ही क्या होता है कि इन इंटेंस सोलर स्टॉर्म में क्या होता है कि अर्थ का जो अपर एटमोसफेयर होता है ना वो एक्चुअल में एक्सपांड कर रहा होता है आउटवर्ड तरफ, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे लोअर सैटेलाइट है उनके बीच में फ्रिक्शन वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, और जब ये फ्रिक्शन होता है तो उसकी वजह से सैटेलाइट्स की जो है ऑर्बिट है वो और डीके हो जाती है और उसमें पास पास आ जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि उनका लाइफ टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक बड़ी ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है अगर ऐसा होता है, तो ये बड़ी वो चिंता वाली बात हो जाती है। साथ में दे आर एबल टू लिव इन स्पेस फॉर ए मच शॉर्टर टाइम, ऑब्वियसली जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ये एक हमारे लिए चैलेंज क्रिएट होता है इसकी वजह से। नेक्स्ट इसमें आप देखेंगे कि और क्या क्या सिचुएशन हो सकती है यहाँ पर, कि जो मोस्ट इंटेंस इसमें बताया जा रहा है कि जो मोस्ट इंटेंस ऑफ दिस स्टॉर्म्स हैं कैन कॉज सीरियस चैलेंज डैमेज टू ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स, ओके, और आपकी इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड को भी नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है, टेलीकम्युनिकेशन को कर सकता है, इवन डायरेक्टेड एट अर्थ, ठीक है, तो अच्छा खासा नुकसान कर सकता है ये हमारे यहाँ पर। साथ में रिसर्चर्स ने ये भी डिस्कवर किया है कि जो नया रिलेशनशिप है ना उससे हम पता लगा पाएंगे कि एडवांस में प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि पीक कब आने वाला है साइकिल का, ताकि हम कुछ जरूरी जो है यहाँ पर एक्शंस ले सकें अपने नुकसान को कम करने के लिए, ठीक है। और ये प्रोड्यूस किए जाते हैं भाई इंटरनल डायनामो मैकेनिज्म जो सन की होती है, जो हार्नेसिंग एनर्जी होती है फ्रॉम प्लाज्मा फ्लोज इनसाइड सन, सन के अंदर जो प्लाज्मा होता है वहां से। बाकी इसमें देखेंगे दे, इसको बोला गया है इसको सोलर साइकिल 25 बोला गया है, ठीक है, ये अभी प्रेजेंट में, तो इसका ऑब्जर्वेशन लगभग 1755 से कंटिन्यू किया गया है सोलर साइकिल्स का, तो ये अभी जो पीक पर जाने वाला है 25 सोलर साइकिल बोला गया है, ये पता होना चाहिए, पर एवरी 11 इयर्स पर ये होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि सन की मैग्नेटिज्म एक्टिविटी होती है जिसमें जो ये कह रहा है कि सन की जो है सन स्पॉट साइकिल जो होती है वो मैनिफेस्ट होती है इस दौरान, और उसकी वजह से रिसाइकिलिंग होती है इनकी लार्ज स्केल पर, और सन का जो डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरा रिवर्स हो जाता है। तो ये सपोज मानिए कि सन के जो डाइपोल है ये मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से जो है रिवर्स हो जाता है, यहाँ से उधर की तरफ चला जाता है, ये जब पीक के ऊपर चेंज हो जाता है पूरा का पूरा सोलर साइकिल में, पहली चीज ये होती है। सन स्पॉट किसको बोला गया, सन स्पॉट ये एनसीईआरटी में भी आपको देखने को मिलेगा, सन स्पॉट वो स्पॉट्स होते हैं जो दिखने में डार्कर होते हैं अपने आसपास के सन के ऊपर ही जो बाकी एरिया होता है उससे, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ का टेम्परेचर भी कंपेरेटिवली जो आसपास का एरिया है उससे कम होता है टेम्परेचर,
यानी कि कोल्डर होते हैं, बट वैसे अगर देखा जाए तो इनका टेम्परेचर फिर भी नॉर्मली 6500 फारेनहाइट से ऊपर ही होता है, तो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरी चीज सनस्पॉट का साइज भी बहुत बड़ा हो सकता है, इवन हमारे अर्थ का जो साइज है उससे भी बड़ा हो सकता है, तो सनस्पॉट का साइज भी बहुत बड़ा हो सकता है, ये पता होना चाहिए। और ये सनस्पॉट बनते हैं, इसमें खास वजह क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास के एरिया से भी, और इवन जो अर्थ का जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसके कंपेरिजन से उसको बताया जाता है इवन 2500 टाइम्स बिगर इसका मैग्नेटिक फील्ड, इतना ज्यादा इंटेंस होता है। ये सनस्पॉट की प्रॉपर्टी होती है जो आपको पता होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन इसमें होना नहीं चाहिए। इनको डार्क स्पॉट भी बोला गया है जो सन के ऊपर होते हैं, और इसके बारे में मैंने आपको बताया है डिटेल में। और इसमें रिलेटेड चीज मैं आपको बता दूं कि जो ये मैग्नेटिज्म इंटेंसिटी आपने देख ली है जो अर्थ से, इवन जब सोलर फ्लेयर आ रही होती है मैग्नेटिज्म, तो इवन 10,000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर भी हो जाती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से, तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपैक्ट इसका हो सकता है हमारे एटमॉस्फेयर में। साथ ही साथ टीम ने ये भी देखा है कि जो सोलर डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेच कर रहा होता है एक साइड से दूसरे साइड में, ठीक है, और उसी के बाद से ये देख रहे हैं कि वन पोल ऑफ द सन टू अनदर पोल जो अभी बता रहा था, और उसके बाद ये क्या है फ्लिप कर जाता है पूरी तरह से पोलैरिटी पीरियोडिकली, ठीक है, विद द ऑनगोइंग सन स्पॉट साइकिल। ये था तो सन का डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड है, ये चेंज हो रहा होता है पहली। दूसरी चीज यहाँ पर एक देखा जाता है कि वाल्डमीयर इफेक्ट होता है, ये एक्चुअली क्या होते हैं, एस्ट्रोनॉमर होते हैं स्विट्जरलैंड के एस्ट्रोनॉमर मैक्स वाल्डमीयर, उन्होंने 1935 में पता लगाया होता है कि जो सोलर साइकिल ज्यादा क्विकली राइज होगा ना उसका इम्पैक्ट और स्ट्रेंथ जो है वो भी उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब सीधा सा बात है कि अगर स्ट्रॉन्गर साइकिल बन रहा है तो वो कम टाइम लेगा अपने पीक पर जाने में, ये आपको पता होना चाहिए। तो वाल्डमीयर इफेक्ट करके पूछा जा सकता है कि ये काम किससे रिलेटेड और इसका क्या मतलब है, ये भी पता होनी चाहिए। तो यही था, बाकी ये था कि जो इवोल्यूशन है सनस्पॉट्स का वो इंटीग्रल है टू द फंक्शनिंग ऑफ द सोलर डायनामो प्रोसेस रादर देन बीइंग ए मेयर सिम्पटम ऑफ इट। तो ये सनस्पॉट ऑब्वियसली जो अंदर उसका डायनामिक इम्पैक्ट जो अंदर की मैकेनिज्म चल रही होती है और जो प्लाज्मा एक्चुअल में फ्लो कर रहा होता है सन के अंदर, उसी से इनका सनस्पॉट्स का इवोल्यूशन है वो भी रिलेट करता है। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम, वो है ये भी क्वार्टर टू ग्रोथ को लेकर, ये टेलीविंस जिन्होंने बूस्ट किया है उसके ऊपर कंसेप्चुअली डिस्कशन किया गया है आर्टिकल में कि मल्टीपल हेडविंड्स भी लेकिन साथ में चैलेंज, तो सिमिलर आर्टिकल ही है जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, बिल्कुल वैसा सा ही आर्टिकल है कि एक तो इम्प्रूव हुआ है कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी, ये बताना चाह रहे कि एक्चुअली इस क्वार्टर में अच्छे जो हमें रिजल्ट मिले हैं उसके क्या रीजन हो सकते हैं और आगे क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इसी पर डिस्कशन किया गया। एक तो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो इम्प्रूव हुई है, उसकी वजह से हम इनपुट प्राइस, और वो क्यों हुई है ज्यादा रीजन देखा गया है जो इनपुट प्राइसेज है उनमें स्लाइड कम हुई है, ठीक है, और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उनमें शार्प सर्ज आया बिल्कुल, ठीक है, ये भी देखा गया। और गवर्नमेंट की तरफ से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो भी अच्छा खासा बढ़ा है, और जो डिफ्लेक्टर बोला जाता है उसके भी जो डिफ्लेक्टर रिलेटेड इश्यूज हैं अकाउंटिंग में वो उनकी वजह से भी देखा गया है, ठीक है। और डिफ्लेक्टर आप समझते हैं, डिफ्लेक्टर आपको इन्फ्लेशन मेजरमेंट में देखने को मिलेगा, डिफ्लेक्टर जो है वो होता है नॉमिनल डिवाइडेड बाई दी रियल, ये मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन के रूप में देखा जाता है कि जो नॉमिनल वैल्यू है उसको रियल से डिवाइड किया जाता है तो डिफ्लेक्टर आ जाता है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए फैक्चुअली भी। बाकी चीज इसमें देख लेते हैं हम और आर्टिकल में जो है, ये कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने आपके लिए रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसकी भी ग्रोथ हुई है, इसकी वजह से भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, और जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के बीच का डाइवर्जेंस है वो भी कम हुआ है, और इवन ये भी देखा गया है कि इस बार ज्यादा ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने किया है इवन सर्विस सेक्टर के कंपेरिजन में भी। तो एक तरह से देखा गया है कि सर्विस सेक्टर ऑलमोस्ट लगभग बैलेंस की तरफ चला गया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी रिबैलेंस करना चाह रहा है इसीलिए इसकी ग्रोथ जो है अभी ज्यादा देखने को मिल रही है। दूसरा सिग्निफिकेंट फैक्टर इसमें देखा जा रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर सेंट्रल स्टेट दोनों गवर्नमेंट की तरफ से फ्रंट लोडिंग की तरह चल रहा है, वो आगे से अच्छा खासा खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ये भी देखा गया है, लेकिन आने वाले टाइम में खर्चा कम हो सकता है, तो अपकमिंग जो क्वार्टर्स हैं उनमें ग्रोथ जो है कंपेरेटिवली कम हो सकती है। तो ये प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके भी अच्छे साइन देखे गए हैं, हालांकि ये अब आने वाले टाइम में मिसिंग हो सकता है, तो ये भी है। तो अभी इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो वो भी 12 ईयर हाई यानी 35% पर है, तो ये भी एक रीजन देखा गया है। साथ में पॉजिटिव फैक्टर है वो कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ जो हमने डिस्कस कर ही लिए, और एक और फेवरेबल फैक्टर ये देखा गया है कि जो इन्फ्लेशन है वो डिक्लाइन हुआ है अभी, तो ये भी एक अच्छा फेवरेबल रहा है इस टाइम पर्टिकुलरली इन प्रीवियस टू क्वार्टर्स में।
तो जब इन्फ्लेशन कम हो रहा था उन्हीं सेम नॉमिनल वेजेस के साथ जो है ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलती है, ये भी देखा गया है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में है उसमें भी अच्छा खासा हमारे एम्प्लॉयमेंट इम्प्रूव हुआ है, जो कि एक एम्प्लॉयमेंट का वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स है, तो वहां भी पॉजिटिव आपको ग्रोथ देखने को मिली है। ये सब चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। डिफ्लेटर के ऊपर ये बात करता है कि जब डिफ्लेटर में अगर आपका हायर वेट कर दिया जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स का, तो वो भी जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेवरेबल होता है देन सर्विस सेक्टर, क्योंकि सर्विस सेक्टर में जो है सीपीआई इन्फ्लेशन का ज्यादा वेटेज होता है, जबकि आप बाकी इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखते हैं तो उसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स का ज्यादा वेट होता है। तो ये भी टेक्निकल टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए, कंसेप्ट चुअल चीजें हैं। साथ में देख सकते हैं कि हालांकि कंजम्पशन जो है प्राइवेट कंजम्पशन वो कम होने की संभावना देखी जा रही है, तो ये भी एक चिंता वाली, ये हेडविंड्स यानी कि जो चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं और आगे भी देख सकते हैं प्राइवेट कंजम्पशन कम होने की संभावना, लैक ऑफ पिकअप हो सकता है सर्विसेज में, सर्विसेज की इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वो अब आगे जाके कम होने की संभावना है, ठीक है। और अभी इलेक्शंस भी आने वाले हैं, जनरल इलेक्शन, तो उसकी वजह से भी देखा जा सकता है कि एक्सपेंडिचर कम हो। और फार्म सेक्टर में भी इंडिकेटर हैं वो देखने पड़ेंगे, क्योंकि एल नीनो ने भी अपना एडवर्सली इंपैक्ट किया है, और अब रबी क्रॉप में वहां पर कैसा प्रोडक्शन रहता है वो भी देखने वाली बात होगी। और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ परफॉर्मेंस एंड माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये फिलहाल तो ये है, आगे भी ऐसी संभावना रखी गई है, हालांकि रिस्क जो है वो साथ में है, जैसे इन्फ्लेशन को हम अवॉइड नहीं कर सकते, कभी भी जो है ये हमें सरप्राइज कर सकता है, तो ये देखने वाली बात। एक्सटर्नल सेक्टर से जो फाइनेंशियल फ्लो है वो भी कांस्टेंट होना जरूरी है और उन पर कांस्टेंट मॉनिटरिंग भी जरूरी है। तो फिलहाल तो ठीक चल रहा है, पर रूपी कब जो अभी तक तो ठीक है, बैलेंस्ड है, पर ये भी डॉलर इंडेक्स जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था उसके कंपेरिजन में ऊपर नीचे हो सकती है प्राइसेस, तो ये भी देखना जरूरी है। और जो लेटेस्ट मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है आरबीआई का, उसमें यही कहा गया था कि इन्होंने ग्रोथ तो देखी थी कि 6.5% प्रोजेक्टेड की हुई है थ्रू आउट द ईयर की, तो उस पर देखते हैं अब क्या रहता है। तो ये सब चीजें हैं, तो ये कंजम्पशन डिमांड में वीकनेस जो है ये एक चिंता वाली बात है, ये साफ कह रहे हैं, जो कि सर्विस सेक्टर में देखी जा रही है। बाकी ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये सब इनकी वजह से जो है अफेक्ट होते हैं, ये बेसिक चीजें इकोनॉमिक डिस्कस की गई है आर्टिकल में। और यही है कि कंसर्न बने रहेंगे, क्योंकि अभी खरीफ आउटपुट ऑलरेडी कम हुआ है और रबी में भी देखने वाली बात है, तो ये सब चीजें डिस्कस की गई है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सब समझ पाए हैं। अब लास्ट न्यूज हम देख लेते हैं कि कुछ 135 चाइनीज बोट्स हैं वो रिफ ऑफ फिलीपींस, तो ये वहां पर देखी गई हैं। तो फिलीपींस के पास में जो रिफ है उसका नाम है विटसन रिफ, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटसन रिफ कहाँ पर है। तो ये साउथ चाइना सी में है और ये चाइना और फिलीपींस के बीच है, यानी कि फिलीपींस के नजदीक पड़ता है विटसन रिफ, तो इसको लेकर भी काफी इन दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है। चाइना इसको क्लेम कर रहा होता है जबकि फिलीपींस बोलता है कि हमारा एरिया है, तो विटसन रिफ की आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही जो है हम आज का डिस्कशन अब इसके साथ ही एंड करेंगे, और एक यहाँ पर एक लोकेशन और पता करिए जो मैं बता दूं आर्टिकल में यहाँ पर, कि जो विटसन रिफ है ये मोर देन 1000 किलोमीटर है फ्रॉम द नियरेस्ट मेजर चाइनीज लैंडमार्क ऑफ हाइनान आइलैंड, ओके। तो ये भी ये चाइनीज लैंडमार्क है हाइनान आइलैंड, तो ये पता होना चाहिए, साउथ चाइना सी में ही है ऑब्वियसली। एक रीफ है यहाँ पर जूलियन फेलिप रीफ भी है, ये पलवान आइलैंड के पास है, ये भी पता होना चाहिए आपको। यहाँ के कुछ एरियाज हैं जो, क्योंकि एरियाज देखकर भी पूछा जा सकता है कि ये किस एरिया से रिलेटेड लोकेशंस हैं, ऐसे करके ही पूछा जा सकता है आपसे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसा कि विटसन रिफ मैंने बता दी है, और इसी को विटसन रिफ को फिलीपींस जो है वो जूलियन फेलिप रिफ के नाम से बोलता है, ठीक है। और ये पलवान आइलैंड है, ये भी इस एरिया में है, और हाइनान आइलैंड है। तो ये इसके साथ आज का हम डिस्कशन पूरा होता है, और इसके साथ ही हम रैपअप करते हैं आज के सेशन को। तो थैंक यू, आप कंटिन्यू करते रहिए और कल फिर मिलेंगे।